YouTube channel of Analyst IAS. Just few more minutes and I'll let the connection be stable. Last session हमारा थोड़ा interrupted हो गया था due to some technical issues and all. But अब हम जो discuss करने जा रहे हैं, it is very important. Actually 11th के हम काफी chapters इसमें आज discuss करेंगे. PYQs की कल हमने जो बात की थी, अगर आपने कल वाला session नहीं देखा है जो half an hour का session है, you should basically go through that once again. Because उसमें 7th के मैं already जो air water के chapter हैं, I have discussed them. आज जो हम discuss करेंगे वो 10th class का water resources एंड इसके अलावा 11th क्लास के लगभग 4 चैप्टर्स आज हम कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं एंड इनफैक्ट मेंस में भी उससे क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, फ्रंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए. ये सारे टॉपिक्स आज हम होलिस्टिक व्यू में बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी वी विल कवर देम. सो स्टार्ट करने से पहले कल हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात किया था, जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल Giving rise to the present day extensive marshland. ये थोड़ा current के साथ भी related था. इसके अलावा जो next question था ये temperature contrast पूछ रहा था ocean और इसके बीच में, summer और winter के बीच में specific heat water पे इसने बात किया था. Then 2023 का ये question था जहाँ पे earth के atmosphere के reference में बात की गई थी. So this is the case जहाँ insulation वगैरह वाली चीजें आई थी and we will be discussing insulation. कितना आता है, 100% आता है, उसमें 35% reflect हो जाता है. Then short wave radiation earth लेती है, long wave radiation वो वापस radiate करती है. ये कुछ चीजें हैं जो terminologies हैं, ये पता होनी चाहिए. इसके अलावा northern hemisphere में जो longest day होता है वो कब होता है, ये solstice पर depend करता है, ये भी इन chapters के through cover हो जाएगा. इसके अलावा एक question 2022 का मैंने इसमें लिया है, मैंने केवल 2 साल की questions लिए 23-22. इसके अलावा हर साल कम से कम 3 से 4 questions इस topic से पूछे ही जाते हैं. Then इसके अलावा ये अलग अलग रिजर्वाइज की इसमें बात की गई थी. नेक्स्ट इज योर दिस क्वेश्चन, ये बेसिकली सोलर रेडिएशन के रिफ्लेक्शन की बात करता है कि कितना आता है, कितना जाता है. ये जो इंसुलेशन वाला पार्ट है वील बी डिस्कसिंग इट एंड उसी के थ्रू हमें पता चल जाएगा, ये 11th क्लास का बेसिकली पार्ट है, वहां से ये क्वेश्चन बनकर निकलता है. तो लो क्लाउड जो है इनका एब्जॉर्प्शन जो है ये इंफ्रारेड रेज का एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉजिंग द वार्मिंग इफेक्ट. सो यू हैव टू चूज द क्वेश्चंस. सो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लास्ट में एक बार और डिस्कस कर लेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर. सो ये इससे रिलेटेड चीज थी. अगर हम नेक्स्ट इसमें चीज जाएं जो हमें जरूरी है, दैट इज योर टुडेज सेशंस. सो वेट अ सेकंड, ओके हियर आर योर टुडेज सेशंस. ओके वेट, यस हियर वी आर. सो हमें क्लास 8th का पीडीएफ नहीं डिस्कस करना है, ये जो है रिसोर्सेज लैंड वाटर रिसोर्सेज ये हम इसके बाद शुरू करते हैं. यस आई वांट टू क्लोज इट, वेट अ सेकंड, नो ओके लेट मी क्लोज दिस. यस नेक्स्ट इज योर 7th क्लास का जो एयर का चैप्टर था, जो वाटर का चैप्टर था, ये हम कल दोनों चैप्टर बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन गो थ्रू दैट. नेक्स्ट इज वी विल एलिमिनेट इट हियर. नेक्स्ट इज जो हमें आज डिस्कस करना है वो क्लास 10th करना है. इसके अलावा क्लास 6th में भी हम ये सारे जो इनिशियल टॉपिक्स हैं वी हैव कवर्ड देम और इसमें केवल एक टॉपिक बचता है जो हमें कवर करना है एंड दैट इज योर बेसिकली इंडिया एंड कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर लद्दाख. सो ये इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन, ये इंडिया के साथ जैसे 10th क्लास में इसका पोर्शन दिया है तो इसको वहां से लिंक करके हम एक साथ पढ़ लेंगे सो दैट एवरीथिंग कैन बी कवर्ड. नाउ द नेक्स्ट थिंग जो आज इंपॉर्टेंट है दैट इज योर 10th क्लास का एंड 11th क्लास का. 11th क्लास में भी जो हम डिस्कस करेंगे वो आज हम 4 चैप्टर्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस. एक क्वेश्चन अभी प्रीलिम्स का आपने हीट बैलेंस का देखा था, वो क्वेश्चन यही इस चैप्टर से उठ करके आता है. एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम्स की इसमें बात है, फ्रंट्स वगैरह की बात हुई है. फिर ये वाटर एटमॉस्फेयर की बात हुई है जिसमें वाटर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेन होती है जो हमने 6th क्लास के चैप्टर में देखा था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेन होती है. तो 7th क्लास के चैप्टर में एंड ऐसा ही यहां 11th में दिया गया है, बस थोड़ा और डिटेल में दिया गया है कैसा होता है कैसा नहीं होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन किसे कहा जाता है, ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज जो इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो सकते हैं, वी विल गो थ्रू देम. सो 4 चैप्टर्स फ्रॉम हियर एंड 1 चैप्टर फ्रॉम हियर विल बी कवरिंग इट टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द वाटर रिसोर्सेज. इसके अलावा ये जो रिसोर्सेज वाले डेफिनेशन है वी विल फर्दर लुक इनटू दिस लेटर ऑन. सो अगर हम नीचे जाते हैं, जस्ट गिव मी अ फ्यू मोर मिनट्स एंड वी विल गो टू द वाटर, आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग इट. एंड वाटर जो चैप्टर है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है और भी बहुत सारी चीजें हैं, जस्ट गिव मी अ फ्यू मोर मिनट्स एंड लेट मी जस्ट ओके हियर वी आर, दीज आर रिसोर्सेज ओके एंड यस हियर आर द वाटर रिसोर्सेज. सो बेसिकली यहाँ वाटर रिसोर्सेज के बारे में स्पेसिफिकली बात हो रही है.
एंड ऑलरेडी हमें पता है कि 3/4 जो अर्थ का सरफेस है वो कवर्ड है बेसिकली वाटर से, लेकिन बहुत स्मॉल पोर्शन है जो फ्रेश वाटर से रिलेटेड है. एंड यहां से जो क्वेश्चन आया था वो प्रिलिम्स पे क्वेश्चन आया था कि आइस कैप, ग्राउंड वाटर एंड रिवर लेक्स, इनमें कितना किस में ज्यादा वाटर होता है या नहीं होता है. तो ये एक क्वेश्चन यहां से अराइज हो गया था. इसके अलावा अब वंडर हम ये कर सकते हैं कि जो 3/4 जो वर्ल्ड का वाटर है जो ये कवर करता है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन कैसे कंट्रीज जो है ये स्टिल वाटर स्केटी से जूझती हैं. एंड क्यों प्रेडिक्ट किया गया है कि 2025 तक नियरली 2 बिलियन पीपल जो हैं दे विल लिव इन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी. नाउ वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, एबंडेंस रिन्यूएबिलिटी है वाटर की, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि हम वाटर स्केरिटी को बेसिकली सफर कर सकें. मोमेंट जब हम वाटर शॉर्टेजेस के बारे में बात करते हैं इमिडिएटली हम इसको एसोसिएट करते हैं उन रीजन से जहां पे रेनफॉल की कमी है. जैसे हमारे मन में आता है तो यार ड्रॉट प्रोन रीजन है वहां पे वाटर स्केसिटी होगी, लेकिन हम तुरंत राजस्थान इमेजिन करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि वुमेन्स जो है वो मटका लेके चल रही होती हैं एंड दीज ऑल द थिंग्स. लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज है इसकी अवेलेबिलिटी जो है ये स्पेस टाइम में बनी रहती है, लेकिन इसमें वेरिएशंस भी आते हैं सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन. लेकिन अगर हम वाटर स्कार्सिटी की बात करें तो ये केवल ऐसा नहीं है कि ड्रॉट बोन रीजन में ही आएगा, ये बाकी रीजन्स में भी आ सकता है. एंड मोस्ट केसेस जो हैं ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो रहा है, एक्सेसिव यूज हो रहा है. सबसे ज्यादा जो वाटर इंडिया में जो यूज होता है वो इरिगेशन के लिए यूज होता है वर्ल्ड में, ग्लोबली भी एज वेल. सो वेयर इज देन वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू ऑकर, इन वॉट रीजन्स? जैसे जैसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ते हैं फ्रेश वाटर जो है वो डायरेक्टली प्रेसिपिटेशन से या सरफेस रन ऑफ से या रिवर वगैरह ग्राउंड वाटर से हमें मिल जाता है. ये बहुत पॉसिबल है कि एक एरिया या एक रीजन जहां एम्पल वाटर रिसोर्सेज हो स्टिल वहां पे वाटर स्कार्सिटी हो, अगर वो पीने लायक नहीं है तो. बहुत सी हमारी सिटीज ऐसी हैं जहां ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. देयरफॉर वाटर स्कार्सिटी एक आउटकम है एक लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन का कॉन्सिक्वेंट, क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ जा रही है और अनइक्वल एक्सेस है. तो एक जो लार्ज पॉपुलेशन है ये ज्यादा वाटर रिक्वायर करता है डोमेस्टिक यूज के लिए, खाना प्रोड्यूस करने के लिए, हेंस हायर फूड गेन प्रोडक्शन होगा, वाटर रिसोर्सेज हमें ज्यादा चाहिए, इनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम. इरिगेटेड एरियाज ड्राई सीजन एग्रीकल्चर के लिए जो हम यूज करते हैं, इरिगेटेड एग्रीकल्चर जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है वाटर का. नाउ इट इज वेरी नीडेड कि हम इस एग्रीकल्चर सिस्टम को रिवोलाइज करें एंड एक ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स या ड्राई फार्मिंग मेथड्स या जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट रेजिलियंस जो मेथड्स हैं क्रॉप्स रिलेटेड उनका इस्तेमाल करें. ये यहाँ पे एक चीज आई है, यहाँ आप देख सकते हैं लाइन में महिलाएं खड़ी हैं या कहीं कश्मीर में बहुत दूर तक जाना पड़ता है केवल वाटर लेने के लिए. सो दीज आर द थिंग्स. नाउ सी बहुत से लोगों के पास वेल्स है, ट्यूब वेल्स है उनके फार्म्स में, लेकिन फिर भी इरिगेशन के लिए उनको जरूरत पड़ती है अपने प्रोड्यूस के लिए. बट हैव यू वंडर्ड कि इससे रिजल्ट क्या होगा, हम सारा ग्राउंड वाटर खींच लेंगे तो इट मे लीड टू ग्राउंड वाटर जो है वो कम हो जाएगा एंड वाटर अवेलेबिलिटी उस रीजन में कम हो सकती है. इंडिपेंडेंस के बाद बेसिकली इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा गया, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा देखा गया और बहुत अपॉर्चुनिटीज बनी आज के लिए. आज अगर हम देखेंगे तो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, कॉमन प्लेसेज हैं, जैसे आपके एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं, इनकी जो इंडस्ट्रीज हैं यहां वाटर और वर्स हो गया है, खासकर की प्रेशर है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे. इंडस्ट्री जो है ये भी हैवी वाटर यूजेस बेसिकली वाटर का यूजर्स होते हैं, इनके लिए पावर जो जरूरत होती है वो यहीं से आएगा और ज्यादातर जो एनर्जी आती है वो हाइड्रोलिक्टिक पावर प्लांट से आती है. एंड आज भारत में हाइड्रोलिक्टिक पावर जो है वो लगभग 22% जो है वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो होता है वो हाइड्रोलिक्ट्रिक से होता है. दिस इज द पॉइंट वर्थ नोटिंग. इफ यू आर सिटिंग विद अ कॉपी इन द पेन और यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इट विल बी यूजफुल फॉर योर मेन्स आंसर राइटिंग. नाउ मोर ओवर अगर हम अर्बन सेंटर्स को बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं, ओके मोर ओवर अगर हम अर्बन सेंटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डेंस पॉपुलेशन के साथ या अर्बन लाइफ स्टाइल के साथ, यहाँ वाटर एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो बड़ी ही बड़ी है, लेकिन फर्गर ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ चुकी है. इसके अलावा अगर हम हाउसिंग सोसाइटीज की बात करेंगे, कॉलोनीज की बात करेंगे सिटीज में, तो हमें देखेंगे कि मोस्ट ऑफ जो वाटर है वो ग्राउंड पंपिंग डिवाइसेस से आता है, छोटे छोटे समर्स लगा लेते हैं लोग. सरप्राइजिंग नहीं है कि हमें पता चलता है कि जो फ्रेजाइल वाटर रिसोर्सेज हैं ये ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और उनका डिप्लीशन जो है वो बहुत सेवरल सिटीज में देखा जा रहा है. So it is not surprising. So far हमने focus किया है quantitative aspect पे water scarcity के कि कितना है नहीं है, लेकिन अब हमें situation को देखना पड़ेगा कि sufficiently available हो, qualitative भी हो, and ये जो scarcity है ये water की bad quality की वजह से है basically. Lately यहाँ पे एक growing है कि there have been a growing concern कि even अगर ये ample amount में हुआ water लोगों की need हो जाता है
उसके बाद भी इट मे बी पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर इनको करेंगे, और देयर फोर ये अगेन ह्यूमन यूज के लिए बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग जो इसमें देखनी है, ये दीज आर जस्ट द स्टोरीज एंड दीज आर टेलिंग यू द इंपॉर्टेंस ऑफ द वॉटर. सो यू मैम ऑलरेडी रियलाइज कि जो नीड ऑफ द आर है दैट इज टू कंजर्व एंड मैनेज द वाटर रिसोर्सेज, ताकि हम अपने आप को सेफगार्ड कर सकें, हेल्थ हैजार्ड से बच सकें, नेचुरल इकोसिस्टम्स को डिग्रेड होने से बचा सकें, ओवर एक्सप्लोटेशन कम कर सकें. वाटर का मिसमैनेजमेंट जो है ये और ज्यादा, इट विल बेसिकली इम्प्रोवाइज दीज रिसोर्सेज एंड इससे इकोलॉजिकल क्राइसिस आ सकता है और इसके बहुत प्रोफाउंड इंपैक्ट आ सकते हैं ह्यूमन लाइफ पर एंड लाइफ ऑफ एवरी एनिमल एक्चुअली. सो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात है, जैसे रिवर इंटरलिंकिंग का काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, बट हम कैसे वाटर को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि जहां पे फ्लड ज्यादा आता है या नॉर्दर्न इंडिया में मान लीजिए ज्यादा बारिश होती है, तो हम यहां से जो डेक्कन ट्रैप वाला है वहां तक कैनाल्स बना सकते हैं कुछ रीजन में, कि यहाँ का जो एक्सेस वाटर है जो सीधा सीधा ड्रेन हो जाता है सी में, हम उसको ले जाकर के कहीं एफिशिएंटली उसको फार्मिंग में यूज कर सकें या ऐसे कहीं यूज कर सकें. इसीलिए रिवर लिंकिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं यूज आते हैं. नाउ द थिंग इज आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि एंशियंट टाइम से ही हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे डैम है, हरप्पन सिविलाइजेशन के आपको डैम मिलेगा, संगम में आपको डैम मिलेगा, चोलाज में आपको डैम मिलेगा, तो ये जो डैम्स वगैरह थे ये बहुत पहले से बनते आ रहे हैं, एम्बैकमेंट्स है इरीगेशन के लिए खासकर. एंड ये सरप्राइजिंग नहीं है कि हमने आज भी इस ट्रेडिशन को बेसिकली कंटिन्यू किया है. व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू बेसिकली कॉल्ड टेम्पल बेसिकली डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. इसके अलावा लेकिन यहाँ पे और भी इससे एसोसिएटेड चीजों के बारे में बात की गई है. फॉर एग्जाम्पल जो सुतलज बियास रिवर है, यहाँ पे भाखड़ा नागल पावर प्रोजेक्ट वाटर है, ये हाइड्रल पावर प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है और इरिगेशन के लिए भी यूज होता है. सिमिलरली जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है महानदी बेसिन पे, ये वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है प्लस फ्लड कंट्रोल में हेल्प करता है. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च हुए इंडिपेंडेंस के बाद इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, रेशन की. एंड यहां पे नेहरू बेसिकली कॉल्ड हिम द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न कॉल्ड देम द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका जो इंटीग्रेशन हो वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से हो जाए, विलेज इकोनॉमी इसके अराउंड हो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अर्बन इकोनॉमी के लिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि रिसेंट ईयर्स में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जैसे लार्ज डैम्स हैं, ये बहुत ज्यादा ग्रेट स्क्रूटनी के आ रहे अंडर आ जाते हैं. अपोजिशन होता है वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से. डैम को रेगुलेट करना, रिवर को डैम करना, ये नेचुरल फ्लो को बेसिकली उसको हटा देता है. इसके अलावा जब डैम बन जाती है तो उसके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी प्रॉब्लम होती है. जैसे मेकेदातु प्रोजेक्ट है फिलहाल कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बीच में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं. क्या होता है कि जब भी डैम बन जाती है एंड उस डैम में इफ देर इज अ बेसिकली नेचुरल वाटर फ्लोइंग थ्रू हियर, एंड अगर हम यहाँ पे डैम बना देते हैं तो वहां पे सिल्टेशन का प्रॉब्लम होने लगता है. कोई भी डैम होता है तो वहां एक्सेसिव सिल्टेशन हो जाता है, यहाँ नीचे जो जितना भी सिल्ट है वो यहाँ जमा हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन है बॉटम रिजर्वायर पे, ये और ज्यादा बेसिकली पुअर हैबिटेट्स एंड बेसिकली रॉकियर बेड्स या पुअर हैबिटेट्स हैं रिवर एक्वेटिक लाइफ के लिए, वहां पे ये इसका एक प्रॉब्लम आता है. डैम्स जो है ये बेसिकली दे ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स, रिवर्स को तोड़ देते हैं और डिफिकल्ट होता है एक्वेटिक फौना के लिए कि वो माइग्रेट कर पाए, स्पेशली स्पॉन करने के लिए. जैसे बहुत सी ऐसी मछलियां हैं जो स्पॉन करने के लिए माइग्रेट करती हैं आउट ऑफ द फ्लो, बट यहां पे उनका माइग्रेशन रुक जाता है ड्यू टू द डैम्स. रिजर्वायर्स जो है ये क्रिएट होते हैं फ्लड प्लेन्स पे. ऑल्सो ये जहां पे भी अगर आप डैम बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इस एरिया में हम डैम बनाते हैं, दिस इज माउंटेन्स एंड ऑल, अगर हम इस एरिया में अगर हम इस एरिया में डैम बनाते हैं, यहां पे सपोज दैट हमने एक बहुत बड़ा सा डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया है अमंग द नेचुरल फ्लो, सो व्हाट विल हैपन एक्चुअली इन दिस एरिया. यस, सो सपोज दैट दिस इज द रिवर एंड वी हैव बेसिकली ब्लॉक्ड इट फ्रॉम हियर. सो व्हाट विल अल्टीमेटली हैपन, इसके आसपास का जितना भी जो वेजिटेशन यहाँ पे था इनके आसपास के रीजन में या जितनी भी बसावट थी, जैसे टेहरी डैम के बारे में बात आती है, एक कहानी भी है हिंदी क्लास की कविता में टेहरी डैम से रिलेटेड, जहां एक बुढ़िया की कहानी उसमें दिखाई जाती है कि उसका घर वर सब चला जाता है एंड ये जो एरिया है ये पूरा ही फ्लड कर जाएगा, यहाँ का पूरा वेजिटेशन, यहाँ के गाँव, यहाँ की बहुत सारी चीजें जो है वो डैम के साथ साथ चली जाती हैं. ये एक प्रॉब्लम होता है, डैम्स के टूटने से प्रॉब्लम होता है, जैसे कि उत्तराखंड आपदा में देखा गया था, केदारनाथ आपदा में. सो दिस इज द केस. स्पेशली जो रिजर्वायर्स हैं ये फ्लड प्लेन्स पे क्रिएट किए जाते हैं, एग्जिस्टिंग वेजिटेशन जो है खत्म हो जाता है. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और लार्ज डैम जो है ये भी एनवायरमेंटल मूवमेंट, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था
ये वहां पे मूवमेंट्स आई थी। इसके अलावा टेहरी डाम आंदोलन था, ये रेजिस्टेंस थी इन प्रोजेक्ट के खिलाफ, प्राइमरली क्योंकि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था लोकल कम्युनिटीज का। लोकल लोग जो थे उनको लैंड दिया गया था, लिवलीहुड उनका बेसिकली लैंड ले लिया गया था, लिवलीहुड उनका चला गया था एंड उनका कंट्रोल जो रिसोर्सेस पे था वहां पर वो चला गया फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। तो अब यहां पे एक प्रश्न उठकर और आता है कि वील बी टॉकिंग अबाउट इट। ओके, सो फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन, नाउ लोकल पीपल, सो दिस इज द केस। सो अगर लोकल लोगों को बेनिफिट ही नहीं हो रहा है इस प्रोजेक्ट से, तो बेनिफिट इससे किसको होगा? परहैप्स लैंड ओनर्स को, लार्ज फार्मर्स को, जिनका लैंड गया उनका लैंड बिका तो उनको हुआ, इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ जिनको डैम बनानी थी, कुछ अर्बन सेंटर्स को फायदा हुआ जहां पर तक वो वाटर पहुंच रहा है। लेकिन अगर हम लैंडलेस किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, तो मान लीजिए कि उसके पास जमीन भी नहीं है और उसका केवल घर घर है उस गांव में, और वो चला जाता है डैम बनने के बाद, टेरी डैम बनने के बाद या किसी भी डैम बनने के बाद, नाउ व्हाट विल हैपन टू हिम? ऑब्वियसली एक इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि पूरे नेशनल बेसिकली एक नेशन के लिए या नेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ ही लोग क्यों जिम्मेदार रहें, ये एक चीज है यहां पर जोड़ के आती है। इरिगेशन जो है ये ऑल्सो, इट हैज ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न, बहुत सारे रीजन का ये चेंज कर देता है, वाटर इंटेंसिव और जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं यहां से वो शिफ्ट करते हैं। इसके अलावा ग्रेटर इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे सेलेनेशन हो जाता है सॉइल का एट अ टाइम। ये बेसिकली इसने सोशल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म किया था, सोशल गैप बढ़ गया था रिचर लैंड ओनर्स के बीच में और लैंडलेस पुअर्स के बीच में। जैसे जैसे हम देखते हैं डैम्स जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ाते हैं लोगों के बीच में अलग अलग, एंड जिनको डिफरेंट डिफरेंट यूजेस चाहिए होते हैं, बेनिफिट चाहिए होते हैं सेम वाटर रिसोर्सेज से। जैसे गुजरात का जो साबरमती बेसिन फार्मर यहां है, गुजरात का जो साबरमती बेसिन फार्मर्स हैं, ये बेसिकली ऑलमोस्ट इन्होंने एक राइट कॉज कर दिया था ओवर द हायर प्रायोरिटी जो वाटर सप्लाई की अर्बन एरियाज में दी जा रही थी। सेम चीज आप देख सकते हैं कर्नाटका वाले केस में, कर्नाटका तमिलनाडु वाले केस में। नाउ व्हाट इज कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी हैं, वो बहुत ज्यादा कॉमन है। भारत में ऐसी कई जगह इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं। अब यहां पर इस डायग्राम में, दिस इज द डायग्राम, ओके वेट लेट मी पुट इट टू द रेड, यस। सो यहां पर ना कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स का दिया गया है, जैसे कि कोटा बैरेज इधर है, रिहान इधर है, राणा प्रभात सागर इधर है, गांधी सागर इज ऑन दिस रिवर, देन वी हैव प्रवरा, वी हैव सरदार सरोवर ऑन द नर्मदा डैम, वी हैव हीराकुंड ऑन द महानदी, वी हैव नागार्जुन सागर ऑन द कृष्णा, वी हैव कोयना ऑन द कृष्णा, वी हैव दिस तुंगभद्रा ऑन द तुंगभद्रा रिजर्वायर एंड ऑल। एंड लेटर ऑन यहां पे और नीचे जाएंगे तो कावेरी पर आपको मेत्तू डैम दिखेगा, अक्सर न्यूज में रहता है, पेरियार पे आपको पेरियार दिखेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। यहाँ एक बैराज आपको नरोरा में भी देखने को मिलता है। ओके, सो इधर एक टिहरी बांध, टिहरी बांध जिसकी हमने बात की थी, उत्तराखंड का टिहरी बांध। सो ये कुछ चीजें हैं प्रोमिनेंट, यू शुड नो द लोकेशन ऑफ द डैम्स एंड वो किस रिवर से लिंक कर रहा है, दिस शुड बी नोटेड डाउन। सो नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज दैट मोस्ट जो ऑब्जेक्शन होते हैं इन प्रोजेक्ट्स को, दे क्योंकि ओके मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द प्रोजेक्ट्स दे अरोज क्योंकि उनका फेलियर हो जाता है कि वो अपना पर्पस अचीव नहीं कर पाते जिस पर्पस के लिए उनको बिल्ड किया गया था। आयरनिकली जो डैम्स होती हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। ओके, गिव मी 5 मिनट्स, लेट देम पास एंड वी शैल कंटिन्यू आफ्टर दैट। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स आर्मिकली, ओके। सो आयरनिकली जिन डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने फ्लड को ट्रिगर भी किया है सेडिमेंटेशन के द्वारा, जो सेडिमेंटेशन हो जाता है उसकी वजह से रिजर्वायर में। मोर ओवर जो बड़े डैम्स हैं मोस्टली यहां अनसक्सेसफुल देखे गए हैं फ्लड को कंट्रोल करने में, जब एक्सेसिव रेनफॉल आ जाती है। आपने देखा होगा कि और पढ़ा होगा कि कई बार जो वाटर है वो डैम से बेसिकली निकल जाता है एंड उससे फ्लड कॉज हो जाता है। जो फ्लड है ये केवल लाइफ को ही नहीं बर्बाद करते, प्रॉपर्टी को, लेकिन सॉइल इरोजन यहाँ बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है। अब सेडिमेंटेशन जो है ये ऑल्सो मेंट दैट जो फ्लड प्लेन्स हैं ये सिल्ट से डिप्राइव्ड है, एक नेचुरल फर्टिलाइजर जो है
नाउ व्हाट विल हैपन फर्दर, ये उस प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा अगर वहां पे सिल्टेशन नहीं होगा तो नीचे वाले रीजन्स में. नाउ इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं ये अर्थक्वेक इंड्यूस करते हैं. अगर आप बहुत बड़ा डैम बना देते हैं कहीं पे तो वो वहां की टेक्टोनिक एक्टिविटी को थोड़ा सा हैम्पर करता है और अर्थक्वेक होने के वहां बहुत क्लियर चांसेस हो जाते हैं. एंड मोर ओवर, वॉट अबाउट डिजीजेस, पेस्ट, पॉल्यूशन यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा वाटर के एक्सेसिव यूज से. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर उठ कर आता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, जो डिसएडवांटेजेस हमने देखी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जैसे कि डैम्स हैं उनके द्वारा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सोशो इकोनॉमिक उसका दोनों कॉन्टेक्स्ट आता है, एंड यहाँ पे बेसिकली हम कुछ चीजों की बात करते हैं जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की. तो पहाड़ों के जो माउंटेन रीजन हैं यहाँ पे लोग डायवर्जन चैनल बनाते हैं जिनको गुल या कुल कहा जाता है. ये वेस्टर्न हिमालयंस रीजन में होता है एग्रीकल्चर के लिए. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, ओके, ये डायवर्जन चैनल्स होते हैं जब भी रेनफॉल होती है. सो दिस इज द केस. नाउ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमन प्रैक्टिस है ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करने के लिए, पर्टिकुलरली राजस्थान जैसे रीजन में. एंड फ्लड प्लेन्स, बंगाल के फ्लड प्लेन्स में लोगों ने बेसिकली यूनिडेशन चैनल बनाए हैं ताकि वो फ्लड को आसानी, अब वो जो फ्लड का वाटर है उससे अपने फील्ड्स को इरीगेट कर सकते हैं. एरिड सेमी रीजन में एग्रीकल्चर फील्ड जो इनको कन्वर्ट कर दिया गया रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में, और इससे वाटर को बेसिकली वो सैंड में रहा और सॉइल मॉइस्चर रहा, जैसे कि खादंस है जैसलमेर में, जो हाथ कहा जाता है अलग जो पार्ट्स हैं राजस्थान के. दीज आर द टर्म्स विच यू शुड नो. ये एक एग्जाम्पल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का. इसके अलावा यहाँ है जहाँ रूफ टॉप पे बेसिकली इस तरीके से पाइप्स होते हैं, यहाँ से वाटर इट विल फ्लो डाउन हियर एंड लेटर ऑन वी कैन यूज इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज और एनी अदर पर्पज लाइक दैट. सेमी एरिड या एरिड रीजन जो है राजस्थान के, पर्टिकुलरली बीकानेर, फलोड़ी, बारमर रीजन में, यहाँ पे ट्रेडिशनल टंकास बनाए जाते थे वाटर को स्टोर करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए. जो टैंक्स जो है ये एक कमरे से भी बड़े बनाए जाते थे. जैसे कि वन ऑफ द हाउस होल्ड है पलोडी में, तो यहाँ टैंक था जो लगभग 6.1 मीटर डीप था, 2.47 मीटर लंबा था, एंड 2.44 मीटर जो था वो लगभग लगभग वो वाइड था. द रीजन ऑफ दैट वॉज, ओके वेट लेट मी मेक यस, सो कुछ इस टाइप से था. सो द थिंग इज दैट इसका रीजन था कि यहां पे वाटर को स्टोर किया जा सके. टंकास जो है वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में काम आते थे, और ये मेन हाउस के अंदर कोर्टयार्ड में बनाए जाते थे, और इनको कनेक्ट कर दिया जाता था रूफ की स्लोपिंग के साथ. रेनफॉल जैसे ही रूफ टॉप पे आती थी वो पाइप्स के थ्रू आती थी और इन टंकास में स्टोर हो जाती थी जो बेसिकली कोर्टयार्ड में होते थे. जो पहली रेन वाटर होती है उसको स्टोर नहीं किया जाता, उसमें बेसिकली माना जाता है कि वाटर जो बेसिकली पाइप है वो क्लीन हो जाएगा, रूफ क्लीन हो जाएगी, ये सारी चीजें हैं. सो दिस इज द केस. तो रेन जो रूफ टॉप में फॉल होती है ये पाइप से जाती है इधर, देन रेन को स्टोर किया जा सकता है टंकास में. सो अगर जैसे ही नेक्स्ट रेनफॉल आएगा, सो एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का, जहां पे सारे सोर्सेज ड्राई हो जाएंगे बट ये सोर्सेज रहेगा. राजस्थान के कुछ इलाकों में पर्टिकुलरली इन टंकास के पास में भी लोग रूम्स बना लेते हैं, अंडरग्राउंड रूम्स इसके पास बना लेते हैं ताकि टंकास में अगर पानी है तो जो एडजॉइनिंग रूम है वो ठंडा रहेगा. इट विल हेल्प टू बीट द हीट. पर्टिकुलरली समर्स में जैसे रेन वाटर या जिसको पलार पानी भी कहा जाता है, कॉमनली इसको रेफर किया जाता है इन पार्ट्स में, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर है. फॉर्चुनेटली बेसिकली बहुत सारे पार्ट हैं रूरल और अर्बन इंडिया में जहाँ रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये सक्सेसफुली इसको अडेप्ट किया गया है कंजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए. गेंदातुर एक रिमोट बैकवर्ड विलेज है मैसूरू कर्नाटका में, यहाँ विलेजर्स ने उनके हाउस होल्ड रूफ टॉप पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कर रखा है अपनी वाटर नीड्स के लिए. सो ये केस स्टडीज में यू कैन नेम द विलेजेस अगर वाटर स्केर्सिटी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है. तो नियरली 200 हाउस होल्ड ने इन सिस्टम को बेसिकली इंस्टॉल किया, एंड विलेज जो है उसने एक रेयर डिस्टिंक्शन को मिला विच इज वेरी रिच इन वॉटर. सी ओके आई विल शो यू द फिगर 3.6, वी विल मूव डाउन. ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है रेन वाटर सिस्टम की, जहां पे कुछ इस टाइप से इन पाइप्स के जरिए जो रेन वाटर है वो नीचे यहाँ टैंक्स में स्टोर कर लिया जाता था. तो ये बहुत कॉमन था टाउन्स में, विलेजेस में, खासकर थार के रीजन्स में. सो दिस इज द केस. नाउ ओके सो टुडे इन द वेस्टर्न राजस्थान सैडली जो प्रैक्टिस है रूम टॉप वाटर की ये थोड़ा कम होता जा रहा है. क्यों?
क्योंकि लोगों को एम्पल ऑफ वाटर मिल चुका है इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू। अब इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू वो वाटर एक्सटेंसिव जो क्रॉप है जैसे शुगर केन है जो वहां पे नहीं होता है, लोग वो भी वो चीज वहां पे उगाते हैं। तो ये एक इकोलॉजिकल इंबैलेंस भी क्रिएट कर देता है। अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़े तो थोड़ा एक होलिस्टिक व्यू में उसको लेकर के चलना चाहिए। इसके अलावा बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक होता है, ये जनरली आपको पहाड़ों में देखने को मिलेगा जहां पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से इस टाइप के मेघालय तरफ आपको ये ज्यादा मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे पाइप्स के थ्रू जो है वो वाटर डाइवर्ट कर दिया जाता है। ही यू कैन सी दिस इज हाउ इट गोज। ये एक रोड के ऊपर से बेसिकली पास होता है और ये लैंड के काफी ऊपर से होता है ताकि इसको डैमेज ना किया जाए। एंड यही वाटर सीधा सीधा फिर हम इसको आगे यूज कर सकते हैं कहीं एग्रीकल्चर के लिए या और कहीं चीज के लिए। सो दिस वॉज अबाउट दिस चैप्टर। इसकी एक्सरसाइजेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, वेट, यस, इसमें एमसीक्यूज हैं, सो यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन बेसिकली गो थ्रू द एमसीक्यूज एज वेल, सो यू इट वुड बी फाइन फॉर यू। ये अब इजी हो जाएगा काफी ज्यादा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को 30 वर्ड्स में, जैसे एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स रिन्यूएबल रिसोर्स, यू शुड नो दैट, वॉट इज वाटर स्केसिटी, वॉट आर द मेन कॉजेज ऑफ इट। अब यूपीएससी में इसी को और ज्यादा जनरेट कर देंगे, इसमें हम और ज्यादा डेटा डाल देंगे, केस स्टडीज डाल देंगे, विलेजेस के नाम डाल देंगे, वाटर स्केसिटी का परसेंटेज डाल देंगे, नाउ आने वाले टाइम में कितने लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों हो सकती है, ये सारी चीजें इस तरीके से हमें दिखाना पड़ता है। उसका इकोनॉमिक एंगल, उसका इम्पैक्ट खास करके वुमेन पर क्या होगा, उसका इम्पैक्ट बाकी उसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे, ये सारी चीजें। नाउ अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आप इस नजरिए से देखिएगा। नाउ यू हैव टू कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। ये क्वेश्चन यू शुड डू ट्राई टू डू, बेसिकली एटलीस्ट यू कैन डू इट इन माइंड। नाउ यहाँ 120 वर्ड्स की यहाँ पे बात की गई थी, डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सेमी एरिड रीजन राजस्थान के हैं यहाँ कैसे होता है विद अ प्रॉपर डायग्राम, ट्राई टू आंसर इट। डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडेप्टेशन ऑफ द ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आर बींग कैरिड आउट टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड नो। नाउ एग्रीकल्चर आज हम नहीं कवर करेंगे, नाउ वील मूव ऑन टू द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th। हमने वॉटर डिस्कस कर लिया है तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर हम देख लेंगे एक बार। इसके अलावा सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम्स और फिर वाटर एटमोसफियर में। तो अभी अभी हमने रिसेंटली वाटर कवर किया है तो हम चैप्टर 11 से शुरू करते हैं एंड देन वील मूव ऑन टू अदर चैप्टर्स, सो दैट अभी जो हमने वाटर पढ़ा है वो यहां पे आके और कंक्लूड हो जाएगा। वी विल बी कंक्लूडिंग इट, सो लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 98। यस, हियर वी आर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बरचान, ग्लेशियर, मोरेन्स एंड ऑल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम। ये स्ट्रक्चर सोलर रेडिएशन कहाँ कहाँ होता है, यहाँ ऊपर जो था ये वाला रीजन जिसकी हम बात कर रहे थे, यहां से एक क्वेश्चन रेज होकर आया था अभी रिसेंटली जो क्लाउड्स की बात करता है। सो दिस इज द केस, द क्वेश्चन इज इनडायरेक्ट, इट वुड नॉट बी डायरेक्ट बट स्टिल इट इज फ्रॉम हियर। यहाँ पे कुछ आइसो बार्स की बात की गई है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम। देन एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन है, इसमें कहाँ विंड ज्यादा है, कहाँ कम है, डाइवर्जेंस कहाँ होता है, देन कोरियोलिस फोर्स कैसे इफेक्ट करती है, ये वाला डायग्राम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सेल्स है, हेडली है, फेरल है, पोरल है, वोर्टेक्स है, सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग जो इसमें हमें पढ़नी होगी वो बेसिकली फ्रंट्स हैं, कोल्ड फ्रंट क्या है, हॉट फ्रंट क्या है, एंड ये बेसिकली जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो किस टाइप से फॉर्म होते हैं वो यहाँ पे है, ये डायग्राम हमें जरूरी है। इसके अलावा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उसका यहाँ बहुत स्पेसिफिक एंड वेरी डिटेल्ड डायग्राम यहाँ एनसीईआरटी ने दिया है विच यू शुड बेसिकली प्रैक्टिस। इफ यू हैव ज्योग्राफी ऑप्शनल देन, एंड इफ यू डोंट इवन हैव ज्योग्राफी ऑप्शनल देन ऑल्सो, बिकॉज साइक्लोन पर क्वेश्चन मेन्स में भी पूछा जाता है, सो दिस डायग्राम इज नेसेसरी। नाउ वील मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज द वॉटर इन द एटमोस्फियर। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। If we move on to water in the atmosphere, तो already हमें पता है कि जो एयर है उसमें वाटर वेपर होता है और ये 0 से बेसिकली 4% तक, ये 0 से 4% तक बेसिकली वेरी करता है कि वहां पे उतना वाटर है या नहीं है। नाउ द थिंग इज बेसिकली परसेंट बाई वॉल्यूम पर ये डिपेंड करता है एटमोस्फेयर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करता है वेदर फिनोमिना में।
इसकी स्टोरी पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं बस कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा। जैसे कंडेंसेशन क्या होता है, यू नो कंडेंसेशन क्या होता है, जब भी एक कोल्डर सरफेस मिलता है तो वहां पर वाटर जो है वो कंडेंस हो जाता है, अपनी हीट लॉस करके वेपर फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में आता है, दैट इज योर कंडेंसेशन। अगर वो वेपर फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म हो जा रहा है, रेन जैसे हेल बन जा रहा है या ऐसा कुछ हो जा रहा है, तो वहां उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कंडेंसेशन क्या है, सब्लिमेशन यहाँ पे क्या है। सो दिस इज द केस हियर। नाउ बेसिकली एक न्यूक्लियाई की जरूरत पड़ती है, उसी के ऊपर कंडेंसेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर कोई एक फॉरन न्यूक्लियाई है, ऐसा छोटा डस्ट पार्टिकल है एयर में, अब क्या होगा कंडेंसेशन के टाइम पे, जो वाटर है आसपास के एटमोसफियर पे, क्योंकि और ज्यादा ठंडा होगा तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जमना शुरू हो जाएगा, वो इस न्यूक्लियाई के अराउंड हो जाएगा। और ऐसे बहुत छोटे 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 न्यूक्लियाई मिलके क्या बनाते हैं, मिस्ट बनाते हैं, फॉग बनाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर इन द एटमोसफियर। नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज नेक्स्ट फेज जो है इसका, वो है कंडेंसेशन के बाद जो वाटर वेपर है या मॉइस्चर है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग और क्लाउड, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला ड्यू। ड्यू बेसिकली मॉइस्चर जो है वो डिपॉजिट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, एंड ये जो है ये सॉलिड सरफेस पर होता है, एयर में नहीं होता। जैसे सुबह सुबह ठंड के टाइम पे आप घास देखते हो या स्टोन्स देखते हो, प्लांट की लीव्स देखते हो, तो उसको ड्यू कहा जाता है। आइडियल कंडीशंस इसके लिए जो है वो एक क्लियर स्काई हो, काम एयर हो, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? बेसिकली एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसको कहते हैं जब एटमोसफियर में मैक्सिमम जितना वो होल्ड कर सकता है वाटर वेपर को, और फिलहाल उसमें कितना वाटर वेपर है, दैट इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो द थिंग इज दैट, और कोल्ड लॉन्ग नाइट्स ही हैं इसके लिए। इसके लिए एक चीज और है कि नेसेसरली जो ड्यू पॉइंट हो ये फ्रीजिंग पॉइंट से अबव हो, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट से अगर ये ड्यू पॉइंट कम हुआ तो वहां पे फ्रॉस्ट हो जाएगा। अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए ताकि वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रहे, सिंपल सा ये है। फ्रॉस्ट जो है ये कोल्ड सर्फेसेस फॉर्म करते हैं जब कंडेंसेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो। जो ड्यू पॉइंट है इट इज एट और बिलो द बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट। जो एक्सेस मॉइस्चर है ये माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में बेसिकली डिपॉजिट हो जाएगा। एंड आइडियल कंडीशंस के लिए व्हाइट फ्रॉस्ट के लिए सेम है जैसे ड्यू के लिए थी, एक्सेप्ट कि जो एयर और टेम्परेचर हो ये या तो बराबर हो या फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे हो, उसके ऊपर ना हो। फॉग एंड मिस्ट, यहां पे दो चीजें आती हैं। तो जब भी एयर में कोई न्यूक्लियाई होता है उसके अराउंड अगर वाटर पार्टिकल कंडेंस होते हैं तो वो फॉग होता है। फॉग और मिस्ट में बेसिकली एक ही चीज है। और एक चीज यहां पे और आती है, जो आता है कॉन्सेप्ट आता है स्मॉग का, जो दिल्ली में बहुत कॉमन है देखने का। नाउ एक चीज और आती है, मिस्ट और फॉग में क्या डिफरेंस है? खास डिफरेंस नहीं है। मिस्ट वेटर ज्यादा होते हैं, ज्यादा बेसिकली थिकर लेयर मॉइस्चर का होता है न्यूक्लियाई के ऊपर। फॉग थोड़ा ड्रायर होते हैं। मिस्ट आपको जनरली दिखाई देगा तो माउंटेन रीजन में दिखाई देगा, जैसे जैसे वार्म एयर जो है वो ऊपर राइज करती है और ये यहाँ पे जो कोल्ड सर्फेसेस से मीट करती है तो यहाँ आपको मिस्ट वगैरह देखने को मिलेगा। फॉग्स जो है ये ड्रायर होते हैं मिस्ट से, और दे बेसिकली प्रिवेंट वेयर वॉटर करेंट्स ऑफ द एयर कमिंग। ओके सो दिस इज द केस हियर। ओके सो फॉग्स जो है ये ड्रायर है मिस्ट से, एंड ये बेसिकली दे आर प्रिवेलेंट वेयर वार्म करंट जो एयर के हैं ये जैसे ही कोल्ड करंट के टच में आते हैं तो वहां ये प्रिवेलेंट होते हैं। फॉग मिनी क्लाउड्स होते हैं जो बेसिकली कंडेंसेशन यहां पे होता है न्यूक्लियर के अराउंड, डस्ट, स्मोक या सॉल्ट पार्टिकल्स भी हो जाए तो। क्लाउड्स यू ऑलरेडी नो कि जो क्लाउड्स हैं माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं या क्रिस्टल होते हैं आइस के, यहाँ पे कंडेंसेशन से बनता है। चार तरीके के क्लाउड्स होते हैं, चार तरीके के जो क्लाउड्स होते हैं वो आपका सिरस क्लाउड्स है, ये हाई एल्टीट्यूड्स पर मिलते हैं आपको, थिन होते हैं, डिटैच होते हैं क्लाउड, जैसे डिटैच क्लाउड आपको, थिन डिटैच क्लाउड, दूर 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 आपको क्लाउड दिखाई देंगे, फेदरी अपीयरेंस होगा इनका, एंड ये ऑलवेज दे वुड बी वाइट इन कलर, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स एक कॉटन वूल की तरह लगते हैं, इनका जो सर्फेस होता है वो फ्लैट होता है और ये आपको कॉटन वूल की तरह काफी हाइट तक दिखते हैं। और ये जो होते हैं जनरली ये 4,000 से लेकर 7,000 मीटर के बीच में, 4 या 7 किलोमीटर के बीच में मिलते हैं, और ये पैचेस में होते हैं और ये स्कैटर्ड दिख सकते हैं आपको हियर एंड देयर। नाउ इसके बाद आता है स्ट्राटस। स्ट्राटस बेसिकली जैसे इनका नेम होता है ये लेयर्ड रॉक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर द लेयर्ड रॉक्स बेसिकली स्ट्राटा के ऊपर स्ट्राटा, लार्ज पोर्शंस कवर करते हैं। ये जो क्लाउड्स हैं जनरली ये या तो लॉस ऑफ हीट से बनते हैं या फिर एयर मास जब अलग अलग टेम्परेचर का एक साथ मिक्स हो जाता है। इसके अलावा जो क्लाउड है निम्बस क्लाउड, निम्बस क्लाउड ब्लैक या ग्रे कलर का होता है, जनरली जब बारिश होती है तब हम ऐसे क्लाउड देख पाते हैं। ये
मिडिल लेवल्स पर बनते हैं या सरफेस के बहुत नजदीक, एक्सट्रीमली डेंस होते हैं और इनके थ्रू सनरेज जो है वो पास नहीं कर पाती हैं। समटाइम्स क्लाउड जो होते हैं दे आर वेरी लो एंड ये ग्राउंड को टच करते हैं। निम्बस क्लाउड जो है दीज आर शेपलेस मासेस ऑफ वेरी थिक वेपर। सो यहाँ पे दो फोटोज दिए गए हैं, दिस क्लाउड एंड दिस क्लाउड। सो इसका कोई भी खास शेप नहीं है। सो दिस इज द निम्बस, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया गया है। एंड हियर यू कैन कैरेक्टराइज किसका, देखिए फ्लैट सर्फेस है, यू कैन सी दैट समवॉट सर्फेस इज फ्लैट एंड इट इज कॉटन लाइक। सो वॉट वॉज दिस, यू शुड नो इट, राइट? अभी हमने डिस्कस किया। सो यहाँ पे ये चीज है। इसके अलावा जो हमें यहाँ चीज पढ़नी है वो पढ़नी है प्रेसिपिटेशन के बारे में। प्रेसिपिटेशन जो होता है अर्थ पे, जैसे ये मॉइस्चर आता है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, रेनफॉल के फॉर्म में ये होता है, स्नो 0 डिग्री से कम है तो स्नोफॉल होगा, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स के टाइप में जो स्नोफ्लेक्स होते हैं वो नीचे गिर करके आते हैं। सो ये यहाँ पे कुछ चीजें हैं। इसके अलावा स्लीट जो है, स्लीट फ्रोजन रेन ड्रॉप्स होते हैं और रीफ्रोजन बेसिकली मेल्टेड स्नो वाटर होता है। जब लेयर की एयर जो जो लेयर है एयर की, ये जो टेम्परेचर से मिलेगी जो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर हो, ये एक सब फ्रीजिंग लेयर के ऊपर है। कि मान लीजिए ये जो है ऊपर वाली लेयर, ये इट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, और ये जो नीचे इसकी जो सब सरफेस लेयर है इसके नीचे की जो ग्राउंड पे है, यहां पर जो है इट इज बेसिकली मोर फ्रीजिंग एंड यहाँ प्रेसिपिटेशन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्लीट। तुरंत यहाँ पे स्लीट के फॉर्म में हो जाएगा। सो दिस इज स्लीट। रेन ड्रॉप जो है विच लीव द वार्मर एयर, ये कोल्डर एयर जो बिलो होती है उससे, एज अ रिजल्ट मान लीजिए कि ऊपर क्लाउड है एंड क्लाउड से एक रेनफॉल आई, ऊपर क्योंकि वार्मर है और नीचे कोल्ड विंड्स हैं, तो यहां पे आके ये जो है ये छोटे छोटे आइस के ड्रॉप्स के फॉर्म ले लेती है। ये यहां पे होता है। समटाइम्स जो ड्रॉप्स हैं ये हेलस्टोन्स के फॉर्म में आती है जब बहुत बड़ी हो जाती है। हेलस्टोन कुछ नहीं है, जब वाटर और ज्यादा उस पर लेयर बनती चले जाएंगे तो भी एक मोटा हेलस्टोन हो जाता है। ये डिफरेंसेज है, रेन के टाइप्स में डिफरेंसेज है। कन्वेक्शनल रेनफॉल है, एयर जब हीट होती है, लाइट होती है, अब राइज करती है कन्वेक्शनल करंट्स में, जैसे जैसे राइज करती है एक्सपैंड करती है, हीट लूज करती है, कॉन्सिक्वेंटली कंडेंसेशन होने लगेगा। एंड रिमेंबर द क्लाउड्स ऑफ, यहाँ जो फॉर्म होते हैं वो क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, थंडर होगी, लाइटनिंग होगी, ज्यादा देर तक ये रेन टिकती नहीं है। मोस्ट कॉमन समर में आपको देखने को मिलती है, हॉटर पार्ट्स में देखने को मिलती है, बहुत कॉमन है इक्वेटोरियल रीजन्स में, इंटीरियर पार्ट जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वहां, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत कॉमन है। इंडिया में भी ये काफी ज्यादा कॉमन है कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब ओरोग्राफिक रेन की अगर हम बात करेंगे, जैसे ही जो सेचुरेटेड रेन है, सेचुरेटेड एयर मीन्स जिसमें वाटर का कंटेंट ऑलरेडी सेचुरेट हो सकता है, हो चुका है, वो इससे ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। जैसे ही ये मान लीजिए अगर ये बह रहा है कहीं पे एंड यहां अगर माउंटेन जाता है तो इट इज बेसिकली फोर्स टू एसेंड एंड राइज। जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे एक्सपैंड करेगा, और जैसे एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा और मॉइस्चर जो है वो कंडेंस हो जाएगा। जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस टाइप के रेनफॉल के, कि जो विंडवर स्लोप होता है यहां पे आपको ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी इसी रीजन में, क्योंकि क्लाउड जो है वो यहीं आ जाते हैं एंड यहीं पे उनका कंडेंसेशन वापस से होने लगेगा। नाउ रेन यहां पे देने के बाद जो विंडवर स्लोप है, ये जो विंड्स हैं ये दूसरे स्लोप पर जाती है यहां से, और ये दूसरे स्लोप पे जाती है, जैसे ये नीचे जाती है तो उनका टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि ड्राई हो चुकी होती है उनकी कैपेसिटी जो मॉइस्चर को लेने की होती है वो और बढ़ जाती है। और जो लीवर्ड स्लोप जो है ये रेनलेस होते हैं या ड्राई होते हैं, और इनको बेसिकली रिलीफ रेन भी कहा जाता है या इनको रेन शाडो रीजन भी कहा जाता है। ये ओरोग्राफिक का एक पार्ट है। इसके अलावा साइक्लोनिक रेन जो है, हमने ऑलरेडी साइक्लोनिक रेन के बारे में अभी मैं इसके ऊपर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ऑल। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे रेनफॉल को, तो अर्थ सर्फेस पे अलग अलग पैटर्न्स हैं। जनरली हम जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ से चले जाएंगे तो रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी यहाँ के इन रीजन्स में। आपको कोस्टल एरियाज में ज्यादा रेनफॉल दिखेगी, इंटीरियर एरिया में कम दिखेगी। रेनफॉल जो है ये ज्यादा होती है ओशंस पे लैंडमास के मुकाबले, क्योंकि ओशंस में जो वाटर का जो ग्रेट फोर्स है वो वाटर का वहां पे है। एक चीज और, लेटिट्यूड 35 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड 35 to 40 डिग्री साउथ जो इक्वेटर के आते हैं, अराउंड 30, यस ये वी आर अराउंड 30, ओके दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। सो 30 to 40 डिग्रीज के बीच में जो आते हैं रेंज होती है हैवियर होती है ईस्टर्न कोस्ट पे। रीजन, यू शुड नो द रीजन, इसका रीजन जो है वो जनरली यहां की हवाओं से लिंक्ड है। यहां आपको कैसी हवाएं मिलती हैं, यहां आपको ट्रेड विंड्स मिलती हैं इधर से इधर जाती हुई, तो जैसे ही ट्रेड विंड्स इधर से इधर जा रही हैं तो वो
क्लाउड को भी ऐसे ही लेकर के जा रहे होंगी। अब जब वो क्लाउड को लेकर के जाएंगी इधर से इधर, तो ज्यादा रेनफॉल कहाँ होगी? ऑब्वियसली अगर कोई कॉन्टिनेंट है, सपोज दैट यहाँ साउथ अफ्रीकन, ओके इट्स नॉट साउथ अफ्रीका की शेप, बट सपोज दैट दिस इज अ कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे अगर ये लेकर के जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ईस्ट वर्ड में ज्यादा बारिश होगी देन रिलेटिंग टू द वेस्ट। सो दिस इज द केस हियर। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर बढ़ोगे, 45 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में जाओगे, 45 डिग्री से 65 डिग्री साउथ के बीच में आओगे, यहाँ पे जो वेस्टर्लीज विंड यहाँ पे बहुत प्रिवेलेंट करती है, यहाँ पे आप जनरली देखोगे कि वेस्टर्लीज जो है वो प्रिवेल करती है। अब वेस्टर्लीज जो है वो उसी तरीके से लेकर के जाएंगी विंड को, तो रेनफॉल जो यहाँ पे मिलेगा ये आपको दिखेगा कि जो वेस्टर्न मार्जिन है यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है और ईस्टर्न मार्जिन में जाते 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 वो कम हो जाता है। तो ये यहाँ डिपेंड है। Whenever mountains parallel चलते हैं coast line के, suppose that this is the coast line and यहीं पे आपके mountains जो हैं वो इनके parallel चलते चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी that okay, so when they are parallel जो rain है ये coastal plain में आपको ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये पार ही नहीं कर पाएगी, और windward side पे, और जैसे ये leeward side पे इसको cross करके जाएगी वहां पे कम हो जाएगा। इसका एक बहुत prominent example Andes की range आती है। अगर हम साउथ अफ्रीकन देखेंगे कंटिनेंट, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडीज है वो लगभग 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 यहीं पर है। तो अगर यहां से कोई विंड पास भी होती है, फॉर एग्जांपल सदर्न हेमिस्फीयर की वेस्टर्लीज अगर यहां से पास होती हैं, तो वो केवल यहीं टकरा के और यहीं पर वो रेनफॉल आपको दिखा देंगे। बाकी ये जो एरिया है ये आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा ड्रायर है। दिस इज द केस हियर। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात की गई है। टोटल अमाउंट एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होता है, मेजर प्रेसिपिटेशन रेजाइम जो होता है वर्ल्ड के, इनको आइडेंटिफाई किया गया है। जैसे कि जो इक्वेटोरियल बेल्ट होती है, जो विंडवर्ड स्लोप्स हैं माउंटेन्स के जहां पे विंड लगती है, दीज आर द विंडवर्ड स्लोप्स एंड ये बेसिकली शैडो रीजन है या लीवर्ड स्लोप इसे कहा जाता है। नाउ जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो ओके माउंटेन्स जो वेस्टर्न कोस्ट के अलॉन्ग है, ये इन द कूल टेम्परेट जोन एंड कोस्टल एरियाज ऑफ द मानसून, यहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी लगभग 200 cm पर एनम। नाउ इंटीरियर कंटिनेंटल एरियाज में मॉडरेट रेनफॉल मिलेगी 100 to 200 पर एनम, सीएम पर एनम। कोस्टल एरिया जो ओके सो द कोस्टल एरिया जो कंटिनेंट्स के हैं यहाँ मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल मिलेगा। सेंट्रल पार्ट जो ट्रॉपिकल लैंड का है, ईस्टर्न इंटीरियर पार्ट जो टेम्परेट लैंड्स के हैं, यहाँ आपको और कम रेनफॉल मिलेगी। एरियाज जो रेन शेडो जोन में है, जो इंटीरियर कॉन्टिनेंट्स में पड़ते हैं, हाई लेटिट्यूड्स पर पड़ते हैं, वो और ज्यादा रेनफॉल कम मिलेगी लगभग 50 cm पर एनम। सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो रेनफॉल का है ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देता है उसकी इफेक्टिवनेस जज करने के लिए। कुछ रीजंस में रेनफॉल जो है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एंड ईयरली बेसिकली, जैसे इक्वेटोरियल बेल्ट में होता है। एंड यू शुड नो वन थिंग, इक्वेटर से जैसे आप ऊपर जाओगे वो कम होती चली जाएगी। क्यों ईस्टर्न कोस्ट में इस स्पेसिफिक लेटिट्यूड में ज्यादा हो रही है, क्यों 45 से 60 के बीच में वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा हो रही है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ड्यू टू द विंड आप रिलेट करोगे तो उसको रटने की भी जरूरत नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट दिस चैप्टर। Now, यहां कुछ क्वेश्चंस आते हैं that which of the following is the most important constituent of the atmosphere for human beings? Is it water vapor, nitrogen, oxygen or the dust particle? Obviously, it is water vapor. Now, which one of the following processes is responsible for transforming the liquid into vapor? You should know कि liquid vapor में कैसे आता है? Condensation नहीं, evaporation से। Now, air जो है जो contain करती है moisture को, इट्स फुल कैपेसिटी को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सैचुरेटेड एयर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई? इज इट सिरस, स्ट्रैटस, निम्बस और क्यूमुलस? हमने ऊपर हाइट्स डिस्कस की थी। नाउ यहां आंसर करना है नेम थ्री टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक एंड देयर वाज अनदर नॉर्मल साइक्लोनिक, राइट? रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कहा जाता है? वी हैव एक्सप्लेन्ड। Now, why does the amount of water vapor decreases rapidly with altitude? You should know it. Clouds कैसे form होते हैं, उनको classify करना, चार type के हमने clouds देखे। Salient features discuss करने हैं, world distribution of precipitation के, and what are the forms of the condensation? Describe the process of dew and the frost formation. So, dew का formation में freezing point से above था, frost formation में freezing point के बराबर या उससे below हो, ये कुछ चीजें हैं। Sleet का formation कब होता है? So these are the things which are there. So this was related to this chapter. Now we'll move on to our next chapters. We have explained this and this is how we are going to discuss the other chapters. Now iske baad jo chapter hum discuss kar rahe hain wo hai ye wala chapter. And this is basically your atmospheric circulation. Atmosphere mein circulation aur weather systems kaisa hota hai. So you can take a break of 2 minutes. I'll be back.
Okay, so here was our 1 minute break. Now, atmospheric circulation and weather systems की अगर हम बात करेंगे, earlier chapter 9 हमें इसके लिए discuss करना पड़ेगा. Okay, let's start with the chapter 9 then. Solar radiation, heat balance, but okay. So let's start with the above chapters, then we will come to lower chapters. क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है इसके ऊपर वाला. ओके, कंपोजिशन स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर की बात करता है. सो एटमॉस्फेयर जो हमें चारों ओर से बेसिकली कवर करके रखता है, यहाँ अलग अलग परसेंटेजेस के बारे में है. नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना नहीं है. सो दिस इज द केस. कंपोजिशन की बात करें तो लार्जली इसमें दिखा दिया गया है. एंड ये लेयर्स जो है यहाँ पे आपको अलग अलग लेयर्स देखने को मिलते हैं. ऑक्सीजन जो है ये ऑलमोस्ट ऊपर जाएंगे तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी में मिलेगा, लगभग 120 किलोमीटर पर जाएंगे तो ऑक्सीजन वहां पे है ही नहीं. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर भी लगभग लगभग केवल 90 किलोमीटर तक मिलते हैं. तो यहाँ पे ये एक चीज उठ के आती है. गैसेस की अगर हम बात करेंगे तो मेट्रोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस यहाँ पे जो होती हैं, दिस इज द केस. CO2 की अगर हम बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, लेकिन ओपैक है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए. इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ सकता है लेकिन जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगा तो इसको ट्रैप कर लेगा. ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है या भूमि से जो रेडिएशन होता है इसको एब्जॉर्ब करता है और इसको रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली कुछ पार्ट इसका अर्थ के सरफेस पर. और रिलेटिवली यही है जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है. ओजोन दूसरा इंपॉर्टेंट लेयर है यहाँ पे. ओजोन जो है ये इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट है और ये लगभग 10-50 किलोमीटर में आना जाता है अर्थ के सरफेस पे. स्ट्रेटोस्फीयर में ये मिलता है और ये एक फिल्टर की तरह वर्क करता है और ये अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है विच रेडिएट फ्रॉम द सन एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सर्फेस ऑफ द वो अर्थ. सो ये यहाँ पे एक चीज है. वाटर वेपर मिलता है, इसकी वेरिएबिलिटी होती है, कोल्डर एरिया में कम मिलता है, डेजर्ट एरिया में कम मिलता है, ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा मिलता है. ये भी एक तरीके से ब्लैंकेट का काम करता है अर्थ के चारों ओर. जब अर्थ ना ही ज़्यादा कोल्ड हो पाती है ना ही हॉट हो पाती है, वाटर वेपर कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी के लिए भी, इनस्टेबिलिटी के लिए भी अर्थ पे. सो यहाँ एक चीज़ है. डस्ट पार्टिकल्स इसके अलावा यहाँ पे होते हैं, ये फॉग के लिए ज़रूरी होते हैं. एंड डस्ट पार्टिकल्स बेसिकली लोअर लेयर ऑफ एटमोसफेयर में आपको मिलते हैं, येट कन्वेक्शनल एयर करंट जो है ये इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ग्रेटर हाइट तक. हायर कंसेंट्रेशन जो डस्ट पार्टिकल्स का है ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में देखा जा सकता है क्योंकि ड्राई विंड्स है यहाँ पे. कंपेरिजन टू द इक्वेटोरियल एंड द पोलर रीजन, डस्ट और सॉल्ट पार्टिकल जो है ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह वर्क करते हैं और वाटर वेपर जो है इन पे कंडेंस करता है क्लाउड का फॉर्मेशन के लिए. एटमोसफेयर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो एटमोसफेयर है, जिसके में सेकेंड, ओके आई गेस देयर इज सम डिस्टरबेंस. आई लेट देम पास. अगर हम इस एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर है ये अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है, जैसे यहाँ पर है. और यही कॉन्सेप्ट जो था वो हमने जो नीचे लोअर क्लासेस पढ़ी थी उसमें थोड़ा सा कम दिया गया था, यहाँ बस थोड़ा सा ज्यादा है. ट्रोपोस्फीयर जो है ये लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, इसकी एवरेज जो हाइट है वो लगभग लगभग 13 किलोमीटर है और रफली ये जो है ये 8 किलोमीटर पोल्स के पास दिखता है और 18 किलोमीटर इक्वेटर के पास दिखता है. जो इसकी थिकनेस है ये इक्वेटर पर ज्यादा है क्योंकि जो हीट यहाँ ट्रांसपोर्ट होती है वो ग्रेटर है. ओके, हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स और यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं. ये एक चीज है, लो प्रेशर का एरिया है. और ये जो लेयर है ये डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे होता है, वाटर वेपर होता है, जितने भी क्लाइमेट वेदर में चेंजेस होते हैं ये इसी लेयर में होते हैं. टेम्परेचर जो इस लेयर का ये डिक्रीज करता है लगभग 1 डिग्री पर सेल्सियस एवरी 165 मीटर और इसी को नॉर्मल लैप्स रेट भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज जोन, जो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को अलग करता है वो ट्रोपोपॉज है. जो एयर टेम्परेचर है ट्रोपोपॉज में वो लगभग -80 डिग्री सेल्सियस है इक्वेटर के ऊपर एंड -45 डिग्री पोल के ऊपर. जो टेम्परेचर है बेसिकली यहाँ पे नियरली कॉन्स्टेंट रहता है, हेंस इसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है. स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये ट्रोपोपॉज के ऊपर होता है और ये लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक दिखता है. एक इंपॉर्टेंट फीचर जो स्ट्रेटोस्फीयर का है वो है
यहाँ पे पाई जाने वाली ओजोन लेयर, ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा यहाँ पे आता है ये मीजोस्फियर, आप देख सकते हैं मीजोस्फियर जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होता है। इसकी हाइट जो होती है वो लगभग लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। इस लेयर में वंस अगेन टेम्परेचर जो है ये डिक्रीज करता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, और ये लगभग लगभग -100 तक पहुंचता है 80 किलोमीटर पर। अपर लिमिट जो मीजोस्फीयर की है इसको मीजोपॉज कहा जाता है। आइनोस्फीयर जो है ये 80 से 400 किलोमीटर में है, और ये इट इज बेसिकली अबव द मीजोपॉज। सो ये थर्मोस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा आइनोस्फीयर, एंड ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं। जैसे ही रेडियो वेव यहाँ ट्रांसमिट होती है तो यहां से टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो टेम्परेचर है यहाँ पे ये हाइट के साथ बढ़ता है, इंक्रीज करता है, और जो अपर मोस्ट लेयर है एटमोस्फियर की जो ऊपर है इससे भी, जो आइनोस्फियर से ऊपर है उसको एग्जॉस्फियर कहा जाता है। एग्जॉस्फियर हाइएस्ट है, बहुत कम लोगों को पता है, ये आगे जाके बेसिकली मर्ज कर जाती है स्पेस से ग्रेजुअली। ऑल्दो सारे लेयर्स एटमॉस्फेयर के जो हैं ये दे मस्ट बी एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन अस, ज्योग्राफर जो हैं ये जनरली दो ही लेयर पर, फर्स्ट टू लेयर जो ट्रोपोस्फेयर स्ट्राटोस्फेयर है इसी पे ज्यादातर वर्क करते हैं। एलिमेंट्स वेदर एंड क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे तो मेन एलिमेंट जो एटमोस्फेयर के हैं विच आर बेसिकली सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ, दीज आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिटेल में दिए गए हैं चैप्टर्स 9, 10, 11 में, सो वी विल बी डिस्कसिंग देम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे ऑक्सीजन नेग्लिजिबल क्वांटिटी में कहाँ मिलेगी, एंड देन वी हैव अदर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेयर, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट, लास्ट वाले पार्ट में था। डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, व्हाई इज ट्रोपोस्फीयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, सो दीज आर द केसेस। नाउ डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड लेबल इट एंड डिस्क्राइब इट। सो यहाँ पे जो ये डायग्राम इसका दिया गया है एटमॉस्फेयर का, यू शुड पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यू शुड प्रैक्टिस दिस स्पेसिफिक डायग्राम। कुछ डायग्राम इसमें आगे और जरूरी हैं जो नेक्स्ट चैप्टर्स में है, वी विल बी डिस्कसिंग देम। नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है, दो चैप्टर बचे, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो जब एयर को हम फील करते हैं तो हमें पता है कि हम एक बहुत ह्यूज पाइल के नीचे रह रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर आता है और हमें पता नहीं चलता बिकॉज वो सारी साइड से हमें लगता है। इसके अलावा अर्थ जो है ये ऑलमोस्ट जितनी एनर्जी है वो इसको सन से मिलती है, अर्थ जो है ये इसको वापस रेडिएट करता है, एंड दिस इज हाउ ना ही वार्म होते हैं ना ही कूल होते हैं। सोलर रेडिएशन की अगर हम बात करेंगे तो जो अर्थ का सरफेस है ये मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है शॉर्ट वेवलेंथ में रिसीव करता है। रिमेंबर दिस कि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ में रिसीव करता है, और एनर्जी जो अर्थ रिसीव करता है इसको इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहा जाता है, और इसी को बोला जाता है इंसुलेशन। जैसे जैसे अर्थ की बेसिकली जियोइड शेप है, ये एज ये जियोइड रिजेंबलिंग एक स्फीयर है, जो सन रेज होती है ये ऑब्लिक फॉल होती है एटमोसफेयर के टॉप पर, और अर्थ जो है इनका बहुत बेसिकली स्मॉल पोर्शन जो है वो इंटरसेप्ट करता है सन की एनर्जी का। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो अर्थ लगभग 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट रिसीव करता है एट द टॉप एटमोस्फेयरिक थिंग्स, द टॉप एटमोस्फेयर। सोलर आउटपुट जो है ये रिसीव होता है एटमॉस्फेयर के टॉप पे, ये बहुत सिग्निफिकेंटली वेरी करता है, एंड बेसिकली जो अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। यहाँ पे दो चीजें, दो डेट्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ रही हैं। इट इज रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, एंड अर्थ जो है ये सन से फार्देस्ट होता है 152 मिलियन किलोमीटर पर, जो कि आता है 4th of July को। इस पोजीशन को एपिहेलियन कहा जाता है। अगर यही मून के साथ सिचुएशन होती है कि मून अर्थ से ज्यादा दूर है तो वो एपीजीएल हो जाता है। 3rd January को जो अर्थ है ये नियरेस्ट होती है सन के, लगभग 147 किलोमीटर होती है, सबसे पास होती है, और इस पोजीशन को पेरिनियल कहा जाता है, पेरिहेलियन कहा जाता है, और मून के केस में इसको पेरिजियल कहा जाता है। देयरफॉर अर्थ और मून के केस में, देयरफॉर एनुअल इंसुलेशन जो रिसीव करती है अर्थ 3rd January को ये स्लाइटली ज्यादा होगा क्योंकि वो पास है, देन वो 4th July को रिसीव करेगा क्योंकि 4th July को बहुत दूर रहता है। हाउएवर जो इफेक्ट इन वेरिएशन का होता है ये बाकी फैक्टर्स जैसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, सी का डिस्ट्रीब्यूशन है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, विंड सर्कुलेशन है, ओशन सर्कुलेशन है, अनइवन हीटिंग है लैंड और वाटर की, ये इसको कंपनसेट कर देता है और हमें ये चीज नहीं पता चलती। हेंस ये जो वेरिएशन है सोलर आउटपुट में इसका कोई खास इफेक्ट नहीं आता है डेली वेदर चेंजेस पे। वेरिएबिलिटी की बात करेंगे इंसुलेशन और अर्थ के सर्फेस पे, तो यहाँ कुछ चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जो सोलर इंटेंसिटी को बेसिकली एक डे के टाइम पे वो इफेक्ट करते हैं। जैसे ये जो फैक्टर्स हैं जो वेरिएशंस कॉज करते हैं इंसुलेशन का, वो है अर्थ का रोटेशन अपने एक्सिस पर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सनरेज, किस एंगल पे सनरेज पड़ रही हैं,
लेंथ डे कितनी है लेंथ की, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी क्या है एटमॉस्फेयर की, कॉन्फ़िगरेशन जो लैंड का है उसके एस्पेक्ट्स के टर्म में, ये एक चीज है। इसके अलावा जो लास्ट टू है इनका थोड़ा कम इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है फिफ्थ और फोर्थ का, बट ये दो चीजें जरूरी हैं। जो फैक्ट है कि अर्थ जो है ये एक 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है जो उसका ऑर्बिट का प्लेन है। हियर ये प्लेन ऑफ ऑर्बिट है एंड यहां से जो ये बनाती है एंगल, ये वाला एंगल, ये इस एंगल की बात कर रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये यू कैन सी। सो दिस इज द केस हियर। नाउ पॉइंट ऑफ ऑर्बिट से जो बनाएगा वो बेसिकली लाइन ऑफ ऑर्बिट, सो दिस इज इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट हियर, 66 बनाता है प्लेन ऑफ ऑर्बिट से सन के अराउंड, और इसका ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है इंसोलेशन पर, क्योंकि अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है। तो अगर हम यहां पे इंसोलेशन की बात करेंगे तो इसमें हमें देखा जाता है कि डिपेंड करता है कि कितना लेटिट्यूड है उस प्लेस का, जितना हायर लेटिट्यूड होता है उतना ही लेस एंगल बनाएगा। एंड ये यहाँ पे और ज्यादा सैंड ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, जो एरिया है जो बेसिकली कवर करता है वर्टिकल रेज से ऑलवेज बेसिकली ये कम होता है देन स्लैंट रेज में, स्लैंट रेज का एरिया ज्यादा है। एंड इफ मोर एरिया अगर कवर हो जाता है, जो एनर्जी है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, नेट एनर्जी जो है ये पर यूनिट एरिया डिक्रीज कर जाती है। मोर ओवर जो स्लैंट रेज हैं ये रिक्वायर करती हैं कि ग्रेटर डेप्थ से पास करे एटमॉस्फेयर की, रिजल्टिंग इन मोर एब्जॉर्प्शन, बेसिकली स्कैटरिंग ज्यादा होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगा। यहाँ पे ये एक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। सो ये एक डायग्राम, दिस डायग्राम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू शुड नोट इट डाउन। तो पैसेज जो सोलर रेडिएशन का एटमोस्फियर के थ्रू, यहाँ पे उसको डिटेल में दिया गया है। ओके, स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स के थ्रू आता है, ये सारी चीजें, दीज आर जस्ट अ स्टोरी। इंसोलेशन जो सर्फेस पर होता है ये वेरी करता है 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर से ट्रॉपिक्स में, एंड अबाउट 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर पोल्स पर। मैक्सिमम इंसोलेशन जो होता है ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में देखने को मिलता है, जहां क्लाउडलीनेस सबसे कम होती है। इक्वेटर जो है कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन यहां देखने को मिलता है ट्रॉपिक के मुकाबले। जनरली एट द सेम लेटिट्यूड इंसोलेशन जो है ये ज्यादा होता है कंटिनेंट के ऊपर ओशन के मुकाबले, क्योंकि लैंड जल्दी हीट हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। विंटर में मिडिल में और हाई लेटिट्यूड्स बेसिकली लेस रेडिएशन मिलता है देन समर्स। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, डिफरेंट वेज होते हैं हीटिंग कूलिंग के। कंडक्शन होता है, कंडक्शन में नीचे की जो लेयर है वो गर्म हो जाती है, फिर धीरे धीरे ऊपर की लेयर उसको गर्म करती है। कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन में नीचे की लेयर गर्म होकर ऊपर चली जाती है। इसके अलावा एडवेक्शन यहाँ पे एक चीज है जो हीट का ट्रांसफर है, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एयर का होता है तो वो एडवेक्शन होता है। तो तीन चीजें हैं, कंडक्शन, यू शुड नो व्हाट इज कंडक्शन, जिस प्रोसेस में लोअर लेयर्स गर्म होती हैं और ऊपर लेयर्स को कवर करती हैं। देन कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन में जो लेयर जो गर्म होती है वो एयर की वो ऊपर चली जाती है। गिव मी 5 मिनट्स। देन वी हैव एडवेक्शन, एडवेक्शन आप याद रखें कि ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो एयर होता है, जो हीट ट्रांसफर होती है वहां पे ये यूज होता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो एयर की है रिलेटिवली दे आर बेसिकली मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट्स। अब एक प्रश्न उठ के आता है कि अगर एयर प्रेशर जो विंड्स हैं, मान लीजिए ऊपर टेम्परेचर कम है और नीचे टेम्परेचर जनरली ज्यादा होता है, या नीचे जो प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेयर का बहुत ज्यादा है, ऊपर जो प्रेशर है वो भी लो है, तो हमें वर्टिकल मूवमेंट क्यों नहीं दिखाई देती विंड की? जो विंड है वो उसको डायरेक्टली वर्टिकल चला जाना चाहिए, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में उसको जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहती। रीजन, रीजन इज ग्रेविटी। सो दैट इज हमें वर्टिकल मूवमेंट एयर का नहीं दिखता। कुछ लोकल चीजें हैं जैसे यहाँ लू यहां दिखती है, ये एक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की अगर हम बात करेंगे, जो इंसुलेशन रिसीव करती है अर्थ, ये शॉर्ट वेव्स के रूप में आता है एंड ये अर्थ को हीट कर देता है। अर्थ जैसे ही हो जाता है तो इसी को वापस रेडिएट करेगा लेकिन लॉन्ग वेव के फॉर्म में। तो आ रहा है शॉर्ट के फॉर्म में, अर्थ एब्जॉर्ब करेगी और उसको एमिट करेगी लॉन्ग वेव के फॉर्म में। जो ये एनर्जी है ये हीट करती है एटमॉस्फेयर को नीचे से, और ये जो प्रोसेस इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है ये एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेरिक गैसेस, इसको एब्जॉर्ब करती है, पर्टिकुलरली CO2 एब्जॉर्ब करता है, बाकी ग्रीन हाउस गैसेस करती है। देयरफॉर एटमॉस्फेयर जो है इनडायरेक्टली वो अर्थ के रेडिएशन से ही हीट हो रहा है। तो
एटमॉस्फेयर जो है इंटर्न ये रेडिएट करता है, हीट को ट्रांसमिट करता है स्पेस में. फाइनली जो जितना भी हम हीट रिसीव करते हैं सन से उतना ही हम वापस रिटर्न कर देते हैं स्पेस को. देयरफॉर एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है. अगर हम यहाँ पे हीट बजट की बात करेंगे, सो हियर इज द हीट बजट. यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि अर्थ मान लीजिए एज अ होल 100% सोलर रेडिएशन अर्थ की तरफ आ रहा है. 100% के बाद जो क्लाउड्स हैं ये स्पेस में लगभग 27% जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं. 2% मान लीजिए अर्थ जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है. जो आइस कैप्स वगैरह हैं, जो आइस शीट्स हैं, जहां एल्बिडो ऑफ अर्थ इन्हें कहा जाता है, तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा. इसके अलावा जस्ट फ्यू मोर मिनट्स, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस. ओके, सो हीट बजट हम अर्थ के बारे में बात करेंगे. तो यहां पर ये यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो यहां हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा. नाउ कंसिडर कि 100% जो है वो आ रहा है. वाइल एटमोसफेयर से जब ये पास होता है, एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, स्कैटर होती है, एब्जॉर्ब भी होती है, एंड कुछ जो अमाउंट है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, स्कैटर हो जाता है. केवल रिमेनिंग पार्ट जो है वो अर्थ पर आता है. रफली 35 जो यूनिट्स है हम इसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं स्पेस में. ये अर्थ पे आने से पहले ही 35 जो है वो आपका निकल जाता है. हियर यू कैन सी कि 27 + 2 = 29 + 6 = 35. तो 35% तो हम ऑलरेडी रेडिएट कर चुके होते हैं जो अर्थ पे भी नहीं आता है. 27 यूनिट्स क्लाउड से जाता है, 2 यूनिट जो है वो आइस से जाता है, यही एल्बिडो है. जो रिमेनिंग 65 यूनिट्स बचा 35 के बाद, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ. 14 यूनिट्स जो है ये एटमॉस्फेयर के अंडर ही ये एब्जॉर्ब हो जाता है. लगभग लगभग 14 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ पे. इसके अलावा यहाँ पे 51 यूनिट जो है वो अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, और अर्थ जो है इसको रेडिएट बैक करता है 51 यूनिट्स को टेरिस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में. 17 यूनिट जो है ये स्पेस में डायरेक्टली जो होती है वो स्कैटर हो जाती है डायरेक्टली, और रिमेनिंग 34 यूनिट जो है ये एटमोसफियर वापस से जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ. सो ये जो अर्थ का रेडिएशन था 17% डायरेक्टली यहां स्पेस में जा चुका है, लॉन्ग वेव रेडिएशन जाता है, एंड जो रिमेनिंग 34% था ये एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है. अब 6 यूनिट जो है ये एटमॉस्फेयर जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, ये जो 6 यूनिट है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले रहा है. एंड इसके अलावा 9 यूनिट जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू, टर्बुलेंस के थ्रू, और 19 यूनिट जो है वो एब्जॉर्ब होता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से. तो ये एक चीजें हैं. 48 यूनिट जो है जो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, 14 यूनिट ये और 34 जो यूनिट्स थे. तो टोटल 48 था, 14 इंसोलेशन से एंड 34 यूनिट जो आ रहे थे वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से आ रहे थे. इसको भी रेडिएट बैक कर देता है. एंड देयरफॉर अगर आप देखेंगे कि 17 + 48 इफ यू सी, सो ये था 65 जो वापस से रेडिएट हो गया. तो जितना आया हमने उतना ही वापस से भेज दिया. दीज टू डायग्राम्स दीज आर इंपॉर्टेंट, राइट? सो यहां पे एक चीज है, ये यहां से डायग्रामेटिकली काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, एंड ये इसका थोड़ा डेटा आपको पता हो क्योंकि प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चंस घुमाए जा सकते हैं बहुत आसानी से. तो ये एक चीज है, तो ये हम समझ लिए. इसके अलावा नेट हीट बजट का बेसिकली वेरिएशन है, जैसे अर्लियर एक्सप्लेन हुआ कि वेरिएशन होता है रेनफॉल के अमाउंट में, जितना अर्थ रिसीव अर्थ का सरफेस रिसीव करता है. कुछ पार्ट अर्थ का जो है वह सरप्लस रेडिएशन होता है, कुछ पार्ट में नहीं होता है. अब फिगर 9.3 जो है ये लेटिट्यूडनल वेरिएशन दिखा रहा है. दिस इज द लेटिट्यूडनल वेरिएशन. नेट रेडिएशन में या सरप्लस है, ये डेफिशिएंट है, ये सोलर रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है बेसिकली, है यू कैन सी दिस इज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और इतना जो है वो डेफिशिएंट है. कुछ एरियाज में जो है वो सरप्लस है. तो ये एक चीज है. यहां पे सरप्लस जो नेट रेडिएशन बैलेंस होता है ये लगभग 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में होता है, एंड वो जो रीजन जो पोल के पास होते हैं यहाँ डिफिशियंट होता है. इसके अलावा जो सरप्लस हीट एनर्जी है वो आपको ट्रॉपिक्स में दिखेगी, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पोलवर्ड्स, एंड एज अ रिजल्ट ट्रॉपिक्स बेसिकली प्रोग्रेसिवली ज्यादातर हीट नहीं होते ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट एंड हाई लेटिट्यूड. सो दिस इज द केस, एंड हाई लेटिट्यूड भी परमानेंटली फ्रोजन रहते हैं क्योंकि एक्सेस या डेफिशिएंट आपको देखने को मिलता है. ये एक चीज है. इसके अलावा फैक्टर्स जो एयर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं, वो सबसे पहला लेटिट्यूड है. उस एरिया का लेटिट्यूड कितना है ये उसके इंसोलेशन रिसीव पे डिपेंड करेगा. जो इक्वेटर के पास होगा इंसोलेशन उतना ज्यादा होगा, ट्रॉपिक जोन में ज्यादा होगा, ऊपर चलते चले जाएंगे तो कम होगा. एल्टीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो एल्टीट्यूड में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर जो है इंडायरेक्टली हीट होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, नीचे से
देयरफॉर प्लेसेस जो सी लेवल के पास है यहाँ हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, देन प्लेसेस जो हायर एलिवेशन में है वहां पे। दूसरे वर्ड्स में बात की जाए जो टेम्परेचर जनरली ये डिक्रीज करता है, जैसे आप हाइट डिक्रीज करते हो तो जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है हाइट के साथ, इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है एंड इट इज 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर। इसके अलावा सी से उसका कितना डिस्टेंस है, दूसरा फैक्टर जो है जो टेम्परेचर को इन्फ्लेट बेसिकली इफेक्ट करता है किसी भी लोकेशन के या प्लेस के, उसकी समुद्र से कितनी दूरी रही है। मुंबई वगैरह के इलाकों में आपको जनरली ठंड नहीं देखने को मिलती है, ज्यादा गर्मी नहीं देखने को मिलती। नाउ कोस्टल एरियाज में कंपेयर टू द लैंड, सी जो है ये थोड़ी स्लो हीट होती है, ये हीट लूज करती है स्लोली, लैंड जो है ये हीट अप करता है, जल्दी कूल डाउन हो जाता है। देयरफॉर जो वेरिएशन है टेम्परेचर में सी के ऊपर ये लेस है एज कंपेयर टू द लैंड। नाउ जो प्लेसेस हैं जो सी के पास आती हैं, यहाँ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है सी का, लैंड भी जहाँ दिखती है, एयर मास और ओशन करंट का भी यहाँ इफेक्ट आता है। लाइक लैंड और जो सी ब्रीजेस होती हैं, जो पैसेज ऑफ एयर मास है ये भी इफेक्ट करता है टेम्परेचर को। जो प्लेसेस हैं जो इसके अंडर आती हैं वार्म एयर मासेस के अंडर, ये यहाँ ज्यादा हाई टेम्परेचर का कंसंट्रेशन देखा जाता है एंड प्लेसेस का जो इसके इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं। यहाँ पे कुछ बस रीडेबल चीजें हैं, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे यहां पर एक चीज हमें देखने को मिलती है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ये जनवरी का दिया गया है। एक चीज यहां नोटिस करने वाली है कि जनरली जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहां आपको जो आइसोथर्म्स दिख रहे हैं, आइसोथर्म्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पे टेम्परेचर सेम है, सो दैट इज द आइसोथर्म। सदर्न हेमिस्फीयर में ये जनरली लैटिट्यूड से आपको पैरेलल देखने को मिलेगा, जनरली इट इज पैरेलल, सॉर्ट ऑफ इट इज पैरेलल, सो दिस इज द केस। बट जैसे ही आप नदर हेमिस्फीयर में आओगे तो आप देखोगे कि ओशन साइड जो है ये नॉर्थवर्ड आ रहा है आइसोथर्म, एंड कॉन्टिनेंटल साइड ये वापस से साउथवर्ड चला जा रहा है। ये यहां पे एक वेरिएशन है जो अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो आपको ये यहां पे शो करना पड़ेगा। इसके बारे में अगर हम और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो ओके, दीज आर अदर थिंग्स। ओके, यूरेशियन में आपको देखने को मिलता है अलग, यहां अलग अलग टेम्परेचर्स की बात की गई है। अगर हम मच प्रोनाउंस देखेंगे साइबेरियन प्लेन में, जो मेन जनवरी टेम्परेचर है, मेन जनवरी टेम्परेचर जो है ये 60 डिग्री ईस्ट के अलोंग लगभग -20 रहता है, दोनों 80 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड्स पे। जो मेन मंथली टेम्परेचर है जनवरी का ये 27 डिग्री से ज्यादा है इक्वेटोरियल रीजन में एंड 24 डिग्री ट्रॉपिक रीजन में, 2 से 0 डिग्री मिडिल लेटिट्यूड्स में, -18 से -48 डिग्री यूरेशियन कंटिनेंट में, खास करके उसके इंटीरियर में ऐसा देखने को मिलता है। ये यहाँ अलग अलग बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन है जुलाई के मंथ में, यहाँ आइसोथर्म्स देखने को मिलते हैं, एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये जनवरी और जुलाई के बीच का है। सो दिस इज द केस, यू कैन पॉज एंड यू कैन बेसिकली लुक इन टू देम। तो जो इफेक्ट है ओशन का ये वेल प्रोनाउंस्ड है सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे जो आइसोथर्म्स हैं ये मोर और लेस पैरेलल होते हैं लेटिट्यूड्स के, वेरिएशन जो है ये थोड़ा और ग्रेजुअल होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले। जो आइसोथर्म है 20 डिग्री सेल्सियस का, 10 डिग्री सेल्सियस का, 0 डिग्री सेल्सियस का, ये पैरेलली रन करता है 35 डिग्री साउथ से, तो 45 डिग्री साउथ से, 60 डिग्री साउथ से रेस्पेक्टिवली। सो जुलाई में जो आइसोथर्म्स होते हैं जनरली ये पैरेलल जाते हैं लेटिट्यूड के, इक्वेटोरियल ओशंस वार्मर टेम्परेचर इनको मिलता है, मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस मिलता है, एंड ओवर द लैंड मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस जो है ये नोटिस होता है सब ट्रॉपिकल कंटिनेंट रीजन में, खास करके एशिया में, अलोंग द 30 डिग्री नॉर्थ एटीट्यूड अराउंड। एंड 40 डिग्री नॉर्थ में अगर हम जाएंगे तो आइसोथर्म जो है वो 10 डिग्री का रन करता है, एंड 40 डिग्री साउथ में जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस जाता है। सो यहां पर इस चीज की बात की गई है, ये कुछ यहां पर इन चीजों की बात हो रहा है। सो दिस इज द केस हियर। यहां पर एक चीज जुड़ी हुई थी जो हमें पढ़ना था। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो जनरली जो इफेक्ट है लेटिट्यूड का टेम्परेचर पे ये वेल प्रोनाउंस मैप पर दिखाया जाता है। आइसोथर्म जनरली पैरेलल होते हैं, आपको लेटिट्यूड्स के पैरेलल देखेंगे, जो डेविएशन होगा ये जनरल ट्रेंड है जनवरी से जुलाई के बीच में ज्यादा देखा जाता है, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड सरफेस जो है वो ज्यादा बड़ा है, सदर्न हेमिस्फीयर में कम है, हेंस जो लैंड मास का जो इफेक्ट है ये ज्यादा हो जाता है, और ओशन करंट्स का भी यहाँ इफेक्ट अच्छा खासा देखा जाता है। जनवरी में जो आइसोथर्म है ये नॉर्थ को डेविएट हो जाता है ओशन की तरफ एंड साउथ में कंटिनेंट की तरफ, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, और यहां देखा जा सकता है जो प्रेजेंस है वार्म वाटर ओशन का, गल्फ स्ट्रीम का, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओशन को बेसिकली अटलांटिक ओशन को और ज्यादा वार्मर कर देते हैं। तो यहां ये एक चीज आती है, ओके दिस इज द रीजन अबाउट दैट, एंड आइसोथर्म जो है वो नॉर्थवर्ड चला जाता है, लैंड की तरफ जो टेम्परेचर है वो शार्पली डिक्रीज करता है, इसीलिए साउथ चला जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको
ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आता है, यहाँ गल्फ स्ट्रीम आती है, ये यहाँ जाके नॉर्वेगियन करंट हो जाता है। तो ये जैसे ही हॉट करंट यहां जा रहा है तो इसके ऊपर का आइसोथर्म क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट मूविंग टू अपवर्ड, ये बहुत वेरी करने लगेगा, इट वुड नॉट बी पैरेलल। एंड यहां भी जैसे आप आएंगे तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो कम है, विंड जो है वो बहुत कोल्ड होती है, तो इसीलिए ये साउथवर्ड जा रहा है। सो दिस इज द रीजन अबाउट इट। सो दिस वॉज अबाउट दिस चैप्टर। नाउ अगर हम आगे मूव करेंगे तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर द डेज द लॉन्गेस्ट, यू शुड नो। एटमोस्फियर जो है मेनली कौन हीट करता है? शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन या स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन, ये एक चीज है। सो ये मैच द फॉलोइंग एंड ऑल। नाउ यहाँ 30 वर्ड्स की क्वेश्चन है, अपन 50 वर्ड्स की क्वेश्चन है। हाउ डू लेटिट्यूड एंड द ओके टिल्ट इन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड एट द अर्थ सर्फेस। तो ये जो यहाँ टिल्टेड है अर्थ, थोड़ा सा सॉरी इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, यस दिस वन इज अप्रोप्रिएट। ओके डू वी हैव इरेजर? यस वी हैव। ओके पूरे चला गया। सो ये यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा देखने लायक है कि ये जो इसका एंगल है कि कितना टिल्ट है, ये भी इफेक्ट करता है कि जो सोलर रेज आ रही हैं वो कहाँ पे ज्यादा पड़ेंगी। सोलर रेज सपोज दैट यहाँ है तो यहाँ इन रीजन्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, यहाँ पे स्लैंट है, एरिया ज्यादा कवर होता है बट स्लैंट रेज जाती हैं, तो यहाँ पे ये इसका इफेक्ट है। सो दिस इज द केस हियर। नाउ अगर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, डिस्कस द प्रोसेसेस थ्रू विच द अर्थ एटमोस्फियर सिस्टम मेंटेन्स द हीट बैलेंस। हीट बैलेंस आप एक बार और रिवाइज करेंगे, 100% में से कितना परसेंट आया, कितना परसेंट वापस रिफ्लेक्ट हो गया, इसमें से भी कितना कितना परसेंट कहाँ चला गया, एंड वापस से वो टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन जो था ये वापस एटमोसफियर में जाता है। सो ये कैसे चला जाता है यहाँ पे वापस, तो ये सारी चीजें एक बार और यू कैन गो थ्रू द डिटेल, आई हैव बेसिकली डिस्कस देम। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर कोई डाउट होता है देन डू लेट मी नो। देन एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन और जो वेदर सिस्टम्स है, ये हमारा आज के लेक्चर का आखिरी चैप्टर है। सो वी विल बी डिस्कसिंग इट। अर्लियर चैप्टर 9 जो हमने देखा, यहाँ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया टेम्परेचर का अर्थ के सर्फेस पे। एयर जो ये एक्सपैंड करता है जैसे ही हीट हो जाता है और कंप्रेस हो जाता है जब कूल हो जाता है, इससे वेरिएशन होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर सिस्टम्स में। जो रिजल्ट है इट इज कि ये एयर का मूवमेंट कॉज करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एयर सेट करती है मोशन में। ऑलरेडी हमें पता है कि एयर जो है हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है इसको विंड बोलते हैं हम, या ब्रीज जब बहुत स्लाइट मूवमेंट होता है, सो मूविंग एयर इज द विंड। नाउ एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है ये और डिटरमाइन करता है कि जो एयर है ये सिंक करेगी या राइज करेगी। तो विंड जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होती है हीट मॉइस्चर, यही इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बारोमीटर। ओके इट्स मेजर विद द हेल्प ऑफ द बारोमीटर। जैसे जैसे एलिवेशन मैरी करता है प्लेस टू प्लेस, एयर मोशन का वहां पे एक कॉन्टेक्स्ट आता है, एंड विंड जो है ये मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया। वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर अगर हम देखेंगे तो हियर यू कैन सी, जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर आप चलते चले जाएंगे तो आपको जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बहुत कम होता चला जा रहा है। सी लेवल के पास 1013.25 यहां पे जो है वो एमबी, या फिर यहां बेसिकली किलो पास्कल, इसकी जो यूनिट है वो किलो पास्कल होती है, इसको एच पी ए भी लिखा जाता है, या ये मिली बार है तो इससे इसको नापा जाता है। तो या तो 1.031 मिली बार या 1.01 बेसिकली किलो पास्कल। ये यहाँ पे एक चीज आती है, ग्रेविटी की ही वजह से आपको वर्टिकल मूवमेंट जो है वो नहीं दिखता है। सरफेस जो होता है वो ज्यादा डेंसर होता है क्योंकि यहाँ डस्ट पार्टिकल ज्यादा है, गैसेस को भी ज्यादा हैवी गैसेस को ही ग्रेविटी रोक के रखती है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो बहुत स्मॉल डिफरेंसेस जो प्रेशर में आते हैं ये हाईली सिग्निफिकेंट है विंड डायरेक्शन के टर्म्स को लेकर के, वेलोसिटी को लेकर के। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रेशर का होता है ये आइसो बार, हमने उसमें आइसो थर्म ड्रॉ किए थे, यहाँ आइसो बार द एरिया जहां पे प्रेशर पॉइंट्स बेसिकली इक्वल है कॉन्स्टेंट लेवल पर, इनको ड्रॉ करके हम देखते हैं। आइसोबार जो होते हैं लाइंस होती हैं जो प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं जहां इक्वल प्रेशर होता है, एंड इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन द प्रेशर, इसको मेजर किया जाता है किसी भी स्टेशन पे आफ्टर बीइंग रिड्यूस्ड टू द सी लेवल, एंड फिर इसको कंपैरिजन के पर्पस के लिए सी लेवल से कंपेयर किया जाता है। जो सी लेवल प्रेशर है ये वेदर मैप पर जनरली शो होता है, यहां आइसोबार प्रेशर्स एंड विंड सिस्टम्स के खास करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां दिखाया गया है। सो दिस इज द केस, हाई प्रेशर लो प्रेशर अगेन, लो प्रेशर अगेन, हाई प्रेशर अगेन, विल मूव फ्रॉम लो प्रेशर टू द हाई प्रेशर एंड ऑल। सो दिस इज द केस हियर।
नेक्स्ट, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे और सी लेवल प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, तो जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है सी लेवल प्रेशर का जनवरी जुलाई में, इसको फिगर इन दोनों फिगर में दिखाया गया है। इक्वेटर के पास जो सी लेवल होता है, यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो कम होता है, और इसी एरिया को इक्वेटोरियल लो कहा जाता है। दिस इज द एरिया ऑफ द लो प्रेशर, इसको इक्वेटोरियल लो भी कहा जाता है। एंड 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच में यहाँ हाई प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप, ओके, डू वी हैव हियर, इट शुड बी अराउंड हियर। सो यहां आपको 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री जो आपका साउथ जाता है यहाँ पे, दिस इज योर 30 डिग्री साउथ मे बी, यस। सो यहाँ पे आपको जो जनरली देखने, ओके, दिस इज द 30 डिग्री, यस। सो यहाँ पे आपको जो जनरली देखने को मिलेगा, फर्दर यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है और इनको सब ट्रॉपिक हाई कहा जाता है। देन इन्हीं रीजन्स को हॉस लेटिट्यूड भी कहते थे, उसकी पीछे की कहानी है। वील अभी हॉस लेटिट्यूड का एक बार और जिक्र आएगा, वील बी डिस्कसिंग इट फर्दर। जो पोलवर्ड्स अलोंग हम जाते हैं 60 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री साउथ पे जाते हैं, तो लो प्रेशर बेल्ट दोबारा हो जाती है, इनको सब पोलर लोस कहा जाता है। पोल्स के पास अगेन हाई प्रेशर हो जाता है। ये जो प्रेशर बेल्ट है ये परमानेंट नहीं है, पहली चीज। सो ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेशर का मिलीबास में, ये जुलाई में डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनवरी के टाइम पे है, जो इस टाइम जो चल रहा है, सपोज दैट ये जनवरी ये दिसंबर का टाइम है, तो लगभग लगभग आपको कुछ इस एरियाज में आपको हाई प्रेशर देखने को मिल जाएगा, ये हाई प्रेशर के एरियाज हो जाते हैं। देन जैसे ही जुलाई आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको रीजन तिब्बतन प्लेट्यू लो प्रेशर का रीजन आपको देखने को मिलेगा। यही रीजन है कि जो मानसून विंड्स हैं वो इंडिया की तरफ आ रही हैं। सो यहाँ हाई प्रेशर होगा, वहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ये एक इफेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ ज्यादातर हाई प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, इस तरफ लो प्रेशर है जनवरी वाले रीजन में। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हियर। नाउ नेक्स्ट थिंग जो यहाँ एक चीज आता है, वो आता है कि फोर्सेस जो वेलोसिटी या विंड के डायरेक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो एयर है वो मोशन में एटमोस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से चलती है। तो एयर को विंड कहा जाता है जब वो किसी फ्लो में चल रही होती है। विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, और विंड जो है वो सरफेस पर फ्रिक्शन उसको मिलता है एडिशन। अब आप देखेंगे जो सरफेस पर जो विंड्स हैं, ऊपर जो विंड्स बहती है वो और ज्यादा तेज बहेंगी, क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं है। जो फोर्स एग्जर्ट करती है अर्थ की रोटेशन, इसको कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है, और ये विंड को डिफ्लैक्ट कर देता है। दस हॉरिजॉन्टल विंड जो अर्थ सरफेस के पास है, ये तीन फोर्सेस का यह कॉम्बिनेशन होता है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यहां होती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, और कोरियोलिस फोर्स लगती है। ये तीन फोर्सेस यहां लगती है। इन एडिशन ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, वो है नीचे की ओर काम करना उसका। इसके अलावा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की अगर हम बात करेंगे, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर में जो डिफरेंस है, ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच में, और बेसिकली सो दिस इज हाउ इट विल मूव। प्रेशर ग्रेडियंट उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा जितना ज्यादा हाई प्रेशर और लो प्रेशर में आपको देखने को मिलेगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये विंड की स्पीड को अफेक्ट करेगी, सरफेस पर ग्रेटेड होगी, सबसे ज्यादा होगी, और इसका इन्फ्लुएंस जनरली ये 1 से 3 किलोमीटर देखा जा सकता है सी सरफेस के ऊपर। ये मिनिमल होता है, लैंड के ऊपर ज्यादा होता है, बिकॉज लैंड फ्रिक्शन ज्यादा देता है, बिल्डिंग्स वगैरह होती है तो और भी ज्यादा देता है। कोरियोलिस फोर्स की अगर हम बात करेंगे, तो जो अर्थ का रोटेशन है अपने एक्सिस पर, ये विंड के डायरेक्शन का इफेक्ट करता है। इसी फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, फ्रेंच फिजिसिस्ट के पीछे जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था 1844 में। ये डिफ्लेक्ट करता है विंड को अपने राइट डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जैसे यहां से विंड आ रहा है तो ये इधर राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में वो अपने लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये यहां पे चीज होती है। इसके अलावा यहां जो और चीज आती है, वो आती है कि जो डिफ्लेक्शन है ये ज्यादा होता है जब विंड की वेलोसिटी जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो कोरियोलिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एंगल ऑफ लेटिट्यूड से, जितना एंगल ऑफ लेटिट्यूड ज्यादा कोरियोलिस फोर्स उतनी ज्यादा। मैक्सिमम कहां मिलेगी? पोल्स पर, इक्वेटर पे मिनिमल मिलेगी। नोट दिस पॉइंट डाउन, यू शुड नो इट। देन कोरियोलिस फोर्स जो है परपेंडिकुलर एक्ट करती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है उसके अलोंग। जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ये परपेंडिकुलर है एक आइसोबार के अलोंग। तो जैसे ही हायर, ओके, सो दिस इज सपोज दैट एन आइसोबार, तो प्रेशर ग्रेडियंट इसके परपेंडिकुलर लगेगी, एंड जो कोरियोलिस फोर्स है वो परपेंडिकुलर लगने लगेगी प्रेशर ग्रेडियंट के। तो जो हायर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होती है, ज्यादा वेलोसिटी विंड की हो जाती है, लार्जर उसका डिफ्लेक्शन का तरीका हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। एज अ रिजल्ट ये दो फैक्टर्स जो हैं, जो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑपरेट करते हैं इन द लो प्रेशर एरियाज, और विंड वहां बेसिकली फ्लो करती है अराउंड इट। इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स है ये जीरो है, विंड परपेंडिकुलर फ्लो करेगी आइसोबार के, और जो लो प्रेशर होता है ये फिल हो जाता है इंस्टेड ये इंटेंसिफाई हो सके। यही कारण है कि हमें यहां पर साइक्लोन्स नहीं देखने को मिलते प्रेशर। सो ये यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है कि ये जो है
दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट हियर एंड कोरियोलिस फोर्स यहां लग रहा है इसके जस्ट अपोजिट में, एंड जो विंड का जो जियोस्ट्रॉपिक विंड है वो इस डायरेक्शन में फिर फ्लो होने लगती है। जो वेलोसिटी और डायरेक्शन जो है विंड का, ये नेट रिजल्ट है विंड जनरेटिंग फोर्सेस का। तो जो विंड है अपर एटमॉस्फेयर में, जो 203 किलोमीटर सरफेस के ऊपर है, ये फ्री है, फ्रिक्शनल से फ्री है, एंड ये प्रेशर ग्रेडियंट इसको कंट्रोल करता है, कोरियोलिस फोर्स कंट्रोल करती है। जब आइसोबार स्ट्रेट होता है जहां पे फ्रिक्शन नहीं है, वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है इसको बैलेंस कौन कर लेगा? फिर कोरियोलिस फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा। कोरियोलिस फोर्स जैसे इसको बैलेंस कर लेगा, जो रिजल्टेंट विंड होगी वो आइसोबार के पैरेलल मूव करने लगेगी। क्या पैरेलल मूव करेगी? तो इसी को जियोस्ट्रॉपिक विंड कहा जाता है। सो दिस इज द केस हियर। जियोस्ट्रॉपिक विंड से अभी 23 के मेंस में क्वेश्चन आया था। नाउ विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन। जैसे लो प्रेशर के अराउंड होता है तो हाई प्रेशर के अलोंग अगर होगा तो वह एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन हो जाएगी। जो विंड का डायरेक्शन है अराउंड सर सिस्टम्स, ये चेंज करता है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन डिफरेंट हेमिस्फीयर में। जो तो विंड का सर्कुलेशन है एट द अर्थ सर्फेस, ये लो प्रेशर हाई प्रेशर के अराउंड है, ये क्लोज रिलेट करता है विंड के सर्कुलेशन पे कि हायर लेवल पे उसका क्या सर्कुलेशन हो रहा है। जनरली लो प्रेशर एरिया जो होते हैं यहां पे एयर कन्वर्ज करती है और राइज करती है लो प्रेशर एरियाज में, एंड हाई प्रेशर एरिया में वो आएगी और बेसिकली सर्फेस पर आके डाइवर्ज कर जाएगी। अपार्ट फ्रॉम कन्वर्जेंस, कुछ एडीज होते हैं, कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, ओरोग्राफिक अपलिफ्ट होती है, अपलिफ्ट होता है फ्रंट्स के अलोंग, राइजिंग एयर के अलोंग, ये चीज है। और ये जो सेल होता है इसको बोला जाता है वॉकर सेल, जहां पे एयर लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ज करेगी और ऊपर उठ जाएगी और हाई प्रेशर एरिया में वो नीचे आ जाएगी और यहां से यहां मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये यहां पे एक चीज है। जनरल सर्कुलेशन अगर हम एटमोस्फेयर की बात करेंगे तो यहां पे जो प्लेनेटरी विंड्स का जो सर्कुलेशन है ये लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है, एटमोस्फेयर हीटिंग पे, प्रेशर बेल्ट के इमर्जेंस पर, बेल्ट्स के माइग्रेशन पर, अपेरेंट पाथ के बेसिकली फॉलोइंग द अपेरेंट पाथ ऑफ द सन, कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे, ओशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे, अर्थ के रोटेशन पे, जो पैटर्न है मूवमेंट का प्लेनेटरी विंड्स का, इसको जनरल सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर कहा जाता है। जो जनरल सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर का होता है ये ओशन वाटर को भी बेसिकली मूवमेंट में ले आएगा, एंड देयरफॉर ये अर्थ का जो इन्फ्लुएंस है क्लाइमेट पर उसको भी करता है। एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे सर्कुलेशन का जो इस फिगर में दिखाया गया है। तो जो एयर जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में होती है, आई नॉट रिमूव दिस, ओके, सो ITCZ में ये राइज करती है बिकॉज कन्वेंशनल जो है जहां यहां हाई सोल इंसुलेशन हुआ है, लो प्रेशर बना है और यह क्रिएट हो जाता है। जो विंड जो है ट्रॉपिक्स में ये कन्वर्ज करती है लो प्रेशर जोन पे, जो कन्वर्ज एयर है ये राइज करती है एक कन्वेक्टिव सेल में और ये रीच करती है लगभग ट्रोपोस्फियर में एंड लगभग 14 किलोमीटर ऊपर। और ये गिव मी 5 मिनट्स। ये जो पूरा जोन है ये ITCZ जोन है। सो ये सब ट्रॉपिकल हाईज है, ये सब पोलर लोज है, देन अगेन ये नॉर्थ पोलर रीजन है। ये रीजन जो था ये लो प्रेशर का था, समझने की कोशिश करिए। इज देयर एनीथिंग टू ज़ूम इट? यस, हियर वी आर। ओके, अ लिटिल बिट, यस। अगर हम इसको यहां से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, वेट, लेट मी जस्ट रिमूव द थिकनेस। यस, हियर वी आर। ओके, ठीक। सो अगर हम यहां से इसको देखते हैं तो ये वाला जो रीजन था जो हमने देखा था, यहां पे ज्यादा है तो ये लो प्रेशर एरिया है। लो प्रेशर एरिया में क्या हो रहा था? जो विंड थी वो कन्वर्ज कर रही थी और फिर राइज कर रही थी। यहां से विंड कन्वर्ज करके क्या करेगी? राइज करेगी, ऊपर जाके वापस से डाइवर्ज कर जा रही थी। ऊपर वाले डायग्राम में हमने ऐसा देखा था। So, ये एक प्रॉपर सर्कुलेशन बनेगा। नाउ लो प्रेशर एरिया में इट इज बेसिकली डाइवर्जिंग, ये ऊपर जा रहा है, एक विंड इधर से इधर चला जा रहा है। इसके अलावा ये जो वापस से इस हाई प्रेशर के रीजन में आएगा लौट करके, ये सब ट्रॉपिक और इसी एरिया में आपको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वगैरह यहां देखने को मिलती है। अब यहां पर जो है ये आता है एंड दिस इज योर हेडली सेल, ये दोनों तरफ हेडली सेल है, देन फेरल सेल आता है। फेरल सेल में जो ये है यहां डिसेंड करती है, ये सरफेस के थ्रू जाती है अगेन लो प्रेशर पे एंड यहां से ये वापस से इस टाइप से मूव करेगा। हियर आल्सो इट विल मूव लाइक दिस। तो ये जो है दिस इज योर फेरल सेल, देन अगेन लो प्रेशर से राइज करेगी, इट विल मूव टुवर्ड्स द पोल, जहां पे हाई प्रेशर है वहां पे डिसेंड करने लगेगी एंड ये आपका पोलर सेल। ये तीन अलग अलग टाइप के सेल है, 0 to 30 degrees साउथ नॉर्थ, 30 degrees to 60 degrees साउथ नॉर्थ, 60 degrees to 90 degrees साउथ नॉर्थ। देन यहां
दो चीजें हैं यहाँ, ट्रेड विंड्स, परमानेंट विंड्स होती हैं जो हमने देखा था डिफ्लेक्ट होती है कोरियोलिस फोर्स के अलोंग, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट. नेक्स्ट थिंग इज यहाँ वेस्टर्लीज होती हैं, वेस्टर्लीज आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों देखने को मिल जाती हैं, पोलर ईस्टर्लीज आपको देखने को मिलती हैं एकदम 60 डिग्री के ऊपर. अब हम वापस से इस डायग्राम के बाहर आते हैं. ओके सो दैट वाज द केस हियर. नाउ इफ वी मूव ऑन टू फर्दर, तो जो एयर है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में, ओके नाउ इट्स टू स्मॉल, यस, तो जो एयर है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में ये राइज करती है कन्वेक्शन की वजह से, हाई इंसुलेशन की वजह से, लो प्रेशर एरिया होता है, हमने देखा था 14 किलोमीटर तक ये लगभग लगभग राइज करती है. ये एयर का एक्युमुलेशन कराता है लगभग 30 डिग्री नॉर्थ पे. ओके ओके इट इज साउथ, सो ये इस पार्ट पे इसका एक्युमुलेशन कराएगा एंड एयर जो है ये सिंक करती है ग्राउंड पे, एक सब ट्रॉपिकल हाई पर हमने देखा था सिंक कर रही है. दूसरा रीजन सिंकिंग का है वो कि एयर कूल हो जाती है जैसे ये 30 डिग्री नॉर्थ पर पहुंचेगी, साउथ पर पहुंचेगी एंड डाउन बिलो नियर द लैंड सरफेस ऑफ द एयर, यहां पे इक्वेटर के पास ईस्टर्लीज के अलोंग जाती है. ओके सो जैसे ही अगर आप नीचे देखेंगे लैंड सरफेस के पार, एयर जो है ये इक्वेटर की ओर जाएगी ईस्टर्लीज की एंड ये जो ईस्टर्लीज है ये इधर साइड से जाती हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में और यही आपका सच सर्कुलेशन जो है ये सरफेस के ये बेसिकली सर्कुलेशन दे आर फ्रॉम द सरफेस अपवर्ड्स एंड देन वाइस वर्सा. इनको सेल्स कहा जाता है, सेल्स पर हमने बात कर लिया, हेडली सेल हमने देखा कहां से कहां होता है, फेरल सेल हमने देख लिया कि कहां से कहां फेरल सेल होता है, किस डिग्री से किस डिग्री पर होता है. पोलर लेटिट्यूड्स पे जो कोल्ड एयर होती है ये सबसाइड करती है पोल्स के पास और ये मिड लेटिट्यूड्स में ब्लो करती है एज द पोलर ईस्टर्लीज हमने देखा एंड ये जो सेल है इसको पोलर सेल कहा जाता है. ये जो तीन सेल्स हैं ये जनरल सर्कुलेशन बनाता है एटमॉस्फेयर का और जो हीट का जितना भी ट्रांसफर होता है लोअर लेटिट्यूड से हायर लेटिट्यूड्स पर ये इसी वजह से होता है और ये इसी जनरल सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखता है. जो जनरल सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर का ये ओशंस को भी इफेक्ट करेगा. जो लार्ज स्केल विंड होती है एटमॉस्फेयर की, ये लार्ज स्केल या बेसिकली ओशन कर्ट को मूव करेंगी या नहीं करेंगी वो इन पर डिपेंड करता है. ओशन इन टर्न ये एनर्जी का इनपुट देगा, वाटर वेपर देगा एयर में और ये इंटरेक्शन जो है ये स्लोली बहुत लार्ज पार्ट में होता रहता है. यहाँ पे एक चीज है, अगर ये ट्रेड विंड्स यहाँ डिफ्लेक्ट कर रही है, सपोज दैट ये इस तरफ जा रही है, यही रीजन है कि जो आपको ओशन करंट दिखता है वो इस टाइप से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऐसे और साउथ इक्वेटोरियल करंट आपको ऐसे दिखता है ड्यू टू द ट्रेड विंड्स. अगेन ये विंड्स जब आगे जाके आपने देखा होगा कि टकराती है तो ऊपर जाती है, यहां वेस्टर्लीज ही है जो इसको कवर करके जो गल्फ स्ट्रीम जाती है, जो हॉट स्ट्रीम जाती है नॉर्थ अमेरिका के पास से, वो इन्हीं वेस्टर्लीज का सहारा लेते लेते ऊपर चली जाती है. तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एयर का और ओशियानिक सर्कुलेशन जो है वाटर का, इट इज वेरी मच इंटरलिंक्ड. तो दोनों चैप्टर को पढ़ो तो आप थोड़ा सा साथ में एक बार देखिएगा, सो इट वुड बी वेरी क्लियर. फर्स्ट इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस देन दैट वुड बी क्लियर, इफ यू अंडरस्टैंड दैट दिस वुड बी क्लियर. बेसिकली इसके बेसिस पर वो होता है. सो दिस इज द केस. नाउ एल नीनो का इफेक्ट वगैरह आता है जहां पे आप देखते हैं कि ओके वेट, जनरली क्या होता है कि जो विंड्स फ्लो होती हैं एंड विंड्स फ्लो होती हैं आपका साउथ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से जो विंड्स फ्लो होती हैं ये यहां से जो वाटर है सरफेस वाटर ये इसको लेकर के जाएंगी, ये सरफेस वाटर को लेकर के चली जाएंगी, ये यहां पर आएंगी बिकॉज ये जो रीजन है ये हाई प्रेशर का रीजन हो गया, ये लो प्रेशर का रीजन हो गया, ये अर्थ के ऊपर की हम बात कर रहे हैं. नाउ इसके जो नीचे जो वाटर था यहां पे वो वाटर क्या हुआ, वो इसके साथ इधर चला गया. अब जो सब सरफेस वाटर है जो कोल्ड करंट होता है वही अपवेल करता है, तो इसी वजह से यहां पे अपवेलिंग भी देखने को मिलती है, अलनीनो यहां देखने को मिलता है जब ये सरफेस थोड़ा सा वार्म हो जाता है. जनरल सर्कुलेशन अलिनो है, लानिना कंडीशन में ये चीजें बहुत ज्यादा वेट हो जाती हैं, एक जगह बारिश होती है एक जगह नहीं होती, तो ये दीज आर द कंडीशंस ऑफ द अलिनो एंड द लानिना, वो भी इसी पे डिपेंड करता है. सीजनल विंड्स की अगर हम बात करेंगे तो जो पैटर्न है विंड सर्कुलेशन का ये मॉडिफाइड है डिफरेंट सीजंस में ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ द रीजंस, मैक्सिमम हीटिंग, प्रेशर बेल्ट्स, विंड बेल्ट्स और मोस्ट प्रोनाउंस इफेक्ट्स जो हैं जैसे शिफ्ट है, सो ये मानसून में देखा जाता है. तो ये सारी चीजें हैं. कुछ लोकल विंड्स होती हैं जैसे लू एक लोकल विंड है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट है. जनरली जो सी और लैंड है इनकी स्पेसिफिक हीट में डिफरेंसेस होते हैं. लैंड जो है ये जनरली जल्दी वार्म हो जाता है और वाटर जो है वो लेट से वार्म होता है, तो दिन के टाइम पे लैंड जो है वो जल्दी वार्म हो जाएगा और सी नहीं होता है, तो जब वो जल्दी वार्म हो जाएगा वहां का जितना मॉइस्चर है वो चला जाएगा, तो ये कौन सा एरिया हो गया, लो प्रेशर के एरिया. सी नहीं हुआ तो हाई प्रेशर के एरिया. विंड कहां से कहां मूव करेगी,
सी टू लैंड, ये सी ब्रीज होगा। अब रात के टाइम पे इन्वर्टेड हो जाता है, लैंड जो है वो जल्दी कूल हो जाएगा और सी जो है वो जल्दी कूल नहीं हो पाता है। तो अभी भी सी क्या है, लो प्रेशर के एरिया, वहां पे ज्यादा है, और ये क्या हो चुका होता है, ये हो तो जगह ठंडा, तो ठंडा हो चुका है तो हाई प्रेशर यहां हो जाता है, तो लैंड टू सी जाता है। तो दिस इज द रीजन ऑफ द लैंड ब्रीज एंड द सी ब्रीज। माउंटेन वैली की विंड्स की यहां पे कुछ बात की गई है कि माउंटेन रीजन में डे के टाइम में जो स्लोप्स होते हैं ये हीट हो जाते हैं, और जो एयर होती है ये स्लोप्स के ऊपर जाती है और ये इन गैप्स को फिल करती चली जाती है एयर के, ये जो बेसिकली वैली में जो एयर होती है ये ऊपर चली जाएगी, बिकॉज ये स्लोप्स जो हैं ये हीट हो जाते हैं। इस विंड को बोला जाता है, वेट अ सेकेंड, एंड इसी विंड को वैली ब्रीज कहा जाता है। नाइट के टाइम पे जो स्लोप्स हैं वो कूल हो जाएंगे और जो डेंस एयर है वो डिसेंड करने लगी वैली में, जैसे माउंटेन विंड के थ्रू। तो जो कूल एयर है हाई प्लेट्यूज की एंड आइस की, ये ड्रेन करती है वैली में, और इसी को कैटेबैटिक विंड कहा जाता है। रिमेंबर आई रिपीटेड वंस अगेन, सो नाइट के टाइम पे क्या होता है, जो स्लोप्स होते हैं ये ठंडे हो जाते हैं और जो डेंस एयर है वो नीचे आने लगेगी वैली में, जो ऊपर गई थी माउंटेन विंड के थ्रू। तो जो कूल एयर है हाई प्लेट्यूज की या जो आइस फील्ड्स की है, ये वैली में ड्रेन होने लगती है, और इसी कूल विंड को क्या बोला जाता है, कैटेबैटिक विंड। जो दूसरे टाइप का वार्म विंड है ये इसके लीवर्ड साइड में होता है माउंटेन रेंजेस के, जो मॉइस्चर है इन विंड्स में, ये जैसे ही माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करता है कंडेंस करता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, और जैसे ही डिसेंट डाउन करता है ये और ज्यादा ड्राई हो जाता है, वार्म अप हो जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस से, और यही ड्राई एयर जो है यहां पर अगर नीचे जाएगा तो स्नो को मेल्ट करता हुआ चला जाता है, बहुत शॉर्ट टाइम में इसको मेल्ट कर देता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नाउ बस वी आर जस्ट अबाउट टू कंक्लूड इट। नाउ एयर मासेस की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे ही एयर रिमेन होमोजेनियस एरिया पे सफिशेंटली लॉन्गर टाइम पर होता है, अब इसमें एयर मासेस में अलग अलग कुछ कुछ चीजें आती हैं। एक होमोजेनियस एरिया में अगर सफिशेंटली लॉन्गर टाइम के लिए कोई एयर रुकती है तो वो उसका एयर मास है, दिस इज द केस। होमोजेनियस रीजन जो है सेम टाइप के जहां पे एयर होता है, तो वास्ट ओशियन सरफेस पर आपको देखने को मिलेगा या वास्ट प्लेन्स पे देखने को मिलेगा, तो जो एयर है डिस्टिंक्टिव इसका कैरेक्टर हो जाता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के टर्म्स में, तो इसी को बोलते हैं हम एयर मास, जब उसका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर हो जाएगा, जब वो किसी लार्ज एरिया में मिलेगी। तो इसको बेसिकली इट इज डिफाइंड, एक लार्ज एयर की बॉडी होती है जहां लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन होता है टेम्परेचर मॉइस्चर में। होमोजेनियस सर्फेसिस जो होते हैं ये विच ओके होमोजेनियस सर्फेसिस विच ओवर विच एयर मास जो है ये बनता है, इसको सोर्स रीजन कहते हैं, क्योंकि जैसा नीचे का रीजन होगा वैसे ही उसके ऊपर का एयर मास बनेगा, हॉट है तो हॉट बनेगा, कोल्ड है तो कोल्ड बनेगा। तो जो एयर मास है इसको क्लासिफाई भी किया जाता है, तो फाइव मेजर सोर्स रीजन होते हैं जहां से इनका सोर्स बन रहा है। पहला वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशियंस हैं, देन सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स हैं, देन रिलेटिव कोल्ड हाई एल्टीट्यूड ओशियंस होते हैं, देन वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट होते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे, जैसे रशिया वगैरह का आप देख लेंगे, अंटार्कटिक वगैरह का देख लेंगे, एंटार्क्टिक वगैरह का। परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स होते हैं आर्कटिक एंटार्कटिक में, ये रशिया वाले प्लेट्स हो गए, धीरे 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 करके ऊपर बढ़ रहा है। तो एंड इसके अलावा परमानेंटली आइस कवर्ड हो गए, अकॉर्डिंगली जो एयर मासेज है ये अलग अलग हो जाता है, मेरीटाइम ट्रॉपिकल अकॉर्डिंग टू द वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन जो इसके ऊपर बनेगा, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जो बनेगा सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स या फिर यहां पर, इसके अलावा मेरीटाइम पोलर जो उन रीजन में बनेगा जो पोलर रीजन में और थोड़ा सा वहां ओशियन है, इसके अलावा कॉन्टिनेंटल पोलर बनेगा रशिया वाले थोड़े से इलाके जो हैं, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक बनेगा विच इज द सीए। सो ये अलग अलग इसमें चीजें हैं, विच इज मेरीटाइम ट्रॉपिक, इट इज कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जैसा बनेगा, देन यहां पे जो आ जाएगा वो है हमारा मेरीटाइम पोलर, देन कॉन्टिनेंटल पोलर है, एंड कॉन्टिनेंटल पोलर के बाद आता है कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। तो ये पांच टाइप के यहाँ डिफरेंट टाइप के एयर मासेस देखने को मिलते हैं। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट, ये देखने में थोड़ा सा लगता है कि वर्ड्स क्या है। अब यहां बात आती है फ्रंट्स की, जहां पे भी दो एयर के मास कोलाइड करेंगे वार्म और कोल्ड, तो वहां एक फ्रंट डेवलप हो जाता है। यहीं से आगे हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। वार्म एयर जब आती है और वो कोल्ड एयर से मर्ज होती है तो वहां पे एक वार्म फ्रंट बन जाता है, वहीं अगर कोल्ड एयर आ रही है और वार्म एयर से वो मर्ज होती है तो वो कोल्ड फ्रंट बन जाता है। एक चीज और होती है, जब कोल्ड एयर और वार्म एयर दोनों ही मिक्स हो रही हैं, वहां पे कोल्ड फ्रंट भी बन रहा है और वार्म फ्रंट भी बन रहा है, तो एक वहां ऑकल्ड फ्रंट भी बनता है जो बेसिकली इसको अपलिफ्ट कर देता है। ये यहां पे चीज है। ओके सो
अगर एयर मास जो है इट इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, इसको ऑकल्ड बोलते हैं, ऑकल्ड फ्रंट कहा जाता है। जो फ्रंट्स हैं ये मिडिल एटीट्यूड पर होते हैं और इनको बेसिकली स्टीप ग्रेडियंट देखा जाता है टेम्परेचर में, प्रेशर में, अचानक से ग्रेडियंट हो जाता है। दे ब्रिंग एब्रप्ट चेंजेस इन द टेम्परेचर और ये एयर को राइज करने में हेल्प करते हैं, क्लाउड्स बनाने में एंड वो फॉर्म करने में। अब आते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखिए जो सिस्टम जो मिड और हाई लेटिट्यूड में डेवलप होते हैं ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड, इनको मिड लेटिट्यूड कहा जाता है, या ट्रॉपिक के बियॉन्ड है तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हो गए। तो जो पैसेज है, जो पैसेज ऑफ फ्रंट है, ये एब्रप्ट चेंजेस लेकर क्या आता है वेदर कंडीशंस में ओवर द एरियाज ऑफ द मिडिल एंड हाई लेटिट्यूड्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली ये जनरली पोलर फ्रंट के अलोंग आपको देखने को मिलेंगे। इनिशियली जो फ्रंट है वो स्टेशनरी होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वार्म एयर है वो ब्लो करती है साउथ की तरफ। हियर आई विल गिव यू एन एग्जांपल, यहां आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। जो वार्म एयर है खास करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ब्लो कर रही है फ्रॉम द साउथ, वार्म एयर इज ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ रीजन हियर समवॉट। एंड लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, ये जो एयर मूव कर रही है एंड जो कोल्ड एयर है वो नॉर्थ से मूव करके आ रही है, यहां जो कोल्ड एयर है वो नॉर्थ से मूव करके नीचे आ रही है। अब क्या होता है कि जैसे ही आपस में मर्ज करते हैं या फ्रंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, देन वॉट विल हैपन अगेन दैट जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा फ्रंट के अलॉन्ग, क्योंकि वार्म एयर कोल्ड से मिली, जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हुआ वहीं पे जो वार्म एयर है ये नॉर्थवर्ड मूव करना शुरू कर देगी जो साउथ से आ रही थी, और जो कोल्ड एयर है ये जो है इट विल मूव टूवर्ड्स साउथ रीजन, सो इट विल अगेन मूव टूवर्ड्स द साउथ रीजन। एंड दिस इज हाउ एक साउथ सेटिंग जो होती है वो मोशन में आ जाता है और एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां पे बन जाता है। ये यहाँ पे चीज है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इससे वेल डेवलप एक्स्ट्रा बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट के साथ। जो प्लान है और जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, हम इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे ना आपको पॉकेट्स भी देखने को मिलेंगी, जो पॉकेट्स हैं वार्म एयर की, छोटी छोटी यहाँ पॉकेट्स आपको देखने को मिलती हैं। जो पॉकेट्स हैं वार्म एयर की या वार्म सेक्टर की, ये बेसिकली फॉरवर्ड और रियर कोल्ड, या बेसिकली रियर कोल्ड या कोल्ड सेक्टर में उनके बीच में ये वेज रहती हैं, फंसी रहती हैं। जो वार्म एयर है ये ग्लाइड करती है कोल्ड एयर के ऊपर, सब्सिक्वेंटली जो क्लाउड होंगे वो अपीयर हो जाएंगे स्काई में वार्म एयर के फ्रंट पे। आई शो यू। ओके, तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि जो वार्म एयर है ये ग्लाइड कर रही है यहाँ कोल्ड एयर के ऊपर, जैसे ही ग्लाइड करेगी तो यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे, यहां जो फ्रंट बनेगा उस पर, जैसे ही वार्म एयर क्लाउड के साथ कर रही थी तो यहां पे एक फ्रंट बनेगा। सो मोस्ट ओके, सो वार्म एयर बनेगी तो वार्म फ्रंट बनेगा ऑब्वियसली। तो जो इसके अलावा यहां जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो नीचे एक और जो पीछे से विंड आ रही है इसमें वो है, तो जो वार्म एयर है ग्लाइड करती है कोल्ड एयर के ऊपर एंड एक सीक्वेंस बनता है क्लाउड्स का, ये इस पे बनते हैं। एंड सो दिस इज द केस, कोल्ड फ्रंट जो है ये अप्रोच करता है वार्म एयर को पीछे से और यहां पे क्यूमुलस क्लाउड्स डेवलप हो जाते हैं। यहां इस इमेज में आपके यू कैन सी दैट अगेन यहां एक कोल्ड एयर है एंड कोल्ड एयर जो है, वेट लेट मी जूम इन इफ इट्स नॉट क्लियर। ओके, यस हियर इट इज। तो ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का यहाँ पे बहुत अच्छा सा डायग्रामेटिक व्यू दिया गया है कि कैसे कैसे जो होता है, सबसे पहले अलग अलग जो एयर मासेज हैं ये आते हैं या एयर पॉकेट्स आपको देखने को मिलती हैं। जो कोल्ड एयर है ये जो वार्म एयर है ये कोल्ड एयर के ऊपर जा रही है, देन क्या हुआ कि कोल्ड एयर डाइवर्ज हो गई एंड यहां पर देख सकते हैं कि जो वार्म एयर है यहां पे आया, ये क्लाउड्स यहां फॉर्मेशन हुए। इसके अलावा जो कोल्ड एयर पीछे से आ रही है ये वार्म एयर को यहां से उठाना शुरू करेगी, अपलिफ्ट करना शुरू करेगी, क्योंकि क्योंकि डेंसर एयर है तो ये उसके नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो ये क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे, ये क्यूमुलस क्लाउड्स यहां पे फॉर्म होते हैं। और ये जैसे ही नीचे जाएगी ये अगेन वार्म फ्रंट को और ऊपर लेके चली जाएगी, जैसे ही वार्म फ्रंट ऊपर चला जाएगा और यहां फ्रंट बनना बंद हो जाएगा, वैसे ही जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो तुरंत डिसिपेट हो जाएगा, वो वहां पे आके खत्म हो जाएगा। ये यहां पर कहने का एक पॉइंट था। तो जो प्रोसेस है विंड सर्कुलेशन का दोनों सरफेस पर, और जो विंड सर्कुलेशन का प्रोसेस है सरफेस पे एंड अलोंग बेसिकली अलोंग द सरफेस या उससे दूर, ये बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड है। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से डिफर करते हैं, बहुत अलग अलग वेज है जैसे करते हैं। हम देखते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में एक फ्रंटल सिस्टम क्लियर देखने को मिलता है, साइक्लोनिक सिस्टम्स में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं या फ्रंटल सिस्टम क्लियर नहीं दिखता है। नाउ ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन लार्ज एरिया कवर करेगा, लैंड सी दोनों में कर सकता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली ओरिजिनली ये केवल सीज पर दिखेगा, थोड़े कम एरिया में होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो।
एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये एक लार्जर एरिया इफेक्ट करेंगे ट्रॉपिकल एरियाज के कंपैरिजन में। जो विंड वेलोसिटी है ट्रॉपिकल में वो ज्यादा होती है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। बेसिकली एक चीज और है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं ये वेस्ट से ईस्ट मूव करते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर आप देखेंगे तो ये ईस्ट से वेस्ट मूव करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल अगर आप बे ऑफ बंगाल को किस बे ऑफ बंगाल में अगर कोई भी साइक्लोन आता है तो आप जनरली देखते हैं उसकी लैंडफॉर्म कहाँ हो रही है, इधर हो रही है, तो वो कहाँ जा रहा है, वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। तो अगर आपने एक चीज याद कर ली कि इंडिया के एग्जाम्पल के हिसाब से ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसा है तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ जाता है, वो उल्टा जाता है। सो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि वो वैसे ईस्ट की तरफ जाने लगेगा। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की यहाँ पे बात आती है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो टॉपिक है इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक व्यू दिया गया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो ओशियंस के ऊपर ओरिजिनेट करते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में और कोस्टल एरियाज में जाते हैं, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन लेकर आते हैं, हैवी रेनफॉल लेकर के आते हैं, स्टॉर्म सर्जेस लाते हैं, कोस्टल इरोजन लेकर के आते हैं, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलामिटीज है। साइक्लोन्स इनको कहा जाता है इंडियन ओशन में, हरिकेन अटलांटिक, टाइफून इनको वेस्टर्न पैसिफिक में कहा जाता है, सदर्न चाइना सी में, विली व्हील्स इनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तरफ कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं ये जनरली वार्म ट्रॉपिक ओशियंस पर ये इनका ओरिजिनेशन होता है। कंडीशंस जो फेवरेबल हैं जैसे लो प्रेशर एरिया है, लार्ज सी सरफेस है जहां टेम्परेचर हायर है 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, प्रेजेंस है कोरियोलिस फोर्स का, स्मॉल वेरिएशन है वर्टिकल विंड स्पीड में, वर्टिकल की जो विंड स्पीड है उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया है या लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, अपर डाइवर्जेंस है अबव द सी लेवल सिस्टम, सो दिस इज हियर। इसके अलावा जो एनर्जी है वो इंटेंसिफाई करती है और इस स्टॉर्म को, ये कंडेंसेशन प्रोसेस से आती है, जैसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं जैसे वो टावर करते हैं, ये सेंटर जो इसका स्टॉर्म होता है यहां पे आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जनरली देखने को मिलेंगे, एंड व्हाट विल हैपन, ये इसके सेंटर को क्लाउड करने लगते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, और जैसे जैसे वो हीट डिसिपेट करेंगे हीट एनर्जी रिलीज होगी और वाटर वेपर जो है वहां आ जाता है और क्लाउड हो जाते हैं, ये यहां पे बनता चला जाता है। कंटिन्यूसली सप्लाई होता है मॉइस्चर का क्योंकि सी जो है वो आराम से मॉइस्चर दे देता है, स्टॉर्म फर्दर स्ट्रेंथन होता जाता है, हीट ज्यादा है लो प्रेशर एरिया क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड गया वो ऊपर गया उसने हीट डिसिपेट की, मॉइस्चर और आ गया और ज्यादा हो गया और इंटेंसिफाई हो गया, तो जैसे ही ये लैंड पर आता है जो मॉइस्चर सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है और स्टॉर्म जो है वो डिसिपेट हो जाता है, अगर ओशन में रहे तो वो बना रहेगा। नाउ जो प्लेस है जहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो क्रॉस करता है कोस्ट को, इसको लैंडफॉल कहा जाता है कि लैंडफॉल उसकी यहां होगी यहां नहीं होगी। तो जो साइक्लोन है विच क्रॉसेस 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जनरली ये रिकर्व करते हैं और ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ एक चीज है, एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ नीचे दिया गया है वो हम देख लेते हैं। एक मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये स्ट्रॉन्गली यहाँ स्पायरली सर्कुलेटिंग बेसिकली क्लाउड्स दिखे जाते हैं सेंटर के अराउंड, और एक आई यहाँ पे होता है, डायमीटर जो सर्कुलेटिंग सिस्टम का होता है ये आई का, या देखेंगे कि 150 टू 250 ये इसका अगर हम टोटल डायमीटर देखेंगे तो ये लगभग 150 टू 250 किलोमीटर के बीच का होता है सर्कुलेटिंग सिस्टम का, यहाँ बीच में एक आई होती है। आई रीजन में बहुत काम रीजन होता है, एयर जो है वो सबसाइड करती है, रिमेंबर एयर सबसाइड करती है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां प्रीलिम्स से क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है और हम स्टेटमेंट में जनरली फंस जाते हैं। तो द थिंग इज दैट अराउंड द आई टू ओके, सो आई के अराउंड आई वॉल होता है, ओके आई विल शो यू द आई वॉल, वेट, यस यस, आई के अराउंड यू कैन सी द आई वॉल, एंड आई वॉल के अराउंड जहां पे स्ट्रॉन्ग स्पायरल होता है या एयर जो है असेंड करती है और ये ट्रोपोस्फेयर की हाइट तक पहुंचती है, ये जो एयर जा रही है ये ट्रोपोपॉज की तरफ जा रही है, ये आई है, ये आई के पास आपका जो एक्स्ट्रा इसका लेयर था जिसको इन्होंने आई वॉल कहा था, आई वॉल है, तो आई में जो एयर है वो डिसेंड कर रही है, सॉरी सबसाइड कर रही है, एंड यहां पे जो एयर है वो राइज कर रही है, राइज होके सीधा जाती है ट्रोपोपॉज में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जो विंड है ये मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी इसी रीजन में होती है और ये लगभग 250 किलोमीटर पर आर तक की रफ्तार भी विंड इसी रीजन में पकड़ लेती है। जो टोरेंशियल रेन है ये आसपास होंगी, आई वॉल से जो रेन बैंड्स होंगे ये रेडिएट होते हैं, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यहाँ पे होते हैं, ये ड्रिफ्ट करते हैं आउटर रीजन में घूमते हैं, और जो डायमीटर है स्टॉर्म का बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में, ये लगभग 600 से 1200 किलोमीटर लंबा हो जाता है, और जो सिस्टम है ये स्लोली मूव करता है 300 से 500 किलोमीटर पर डे की रफ्तार पे। साइक्लोन जो है ये स्टॉर्म सर्जेस बढ़ाता है एंड ये कोस्टल लो लैंड्स पर आके लैंडफॉल करता है और फिर स्टॉर्म जो है ये लैंड पर आके खत्म हो जाता है क्योंकि उसको मॉइस्चर फर्दर मिल नहीं पाता है। सो ये यहाँ पे एक डायग्राम है, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट,
क्योंकि ये डायग्राम बनाने में आता है, क्योंकि बहुत अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन साइक्लोन से रिलेटेड पूछता रहता है, और जहां साइक्लोन से रिलेटेड पूछा यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। तो यहां अनडिस्टर्ब्ड विंड होती है, दिस इज द ट्रोपोपॉज, एंड ये यू कैन सी आई पे एयर इज बेसिकली गोइंग डाउन, जो इसकी आई वॉल इसके आसपास है, यहाँ आउटफ्लो हो रहा है एयर का, यहाँ से ऊपर ट्रोपोपॉज की तरफ भी एयर जा रही है बहुत ज्यादा है। यहाँ रेन बैंड देखने को मिलते हैं, क्यूमुलस क्लाउड के, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के यहाँ देखो आपको देखने को मिल रहे हैं क्लाउड। सो दिस इज द क्लाउड्स एंड ऑल। सो ये यहाँ की एक स्पीड है और ये सारी चीजें हैं, वर्टिकल सेक्शन है ये इसका। नाउ इसके बारे में जो आखिरी चीज हमें बात करनी है, थंडर स्टॉर्म्स या टॉर्नेडोज की। बहुत से लोकल स्टॉर्म्स होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, टॉर्नेडोज होते हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। थंडर स्टॉर्म्स जो हैं ये इंटेंस कन्वेक्शन जब मॉइस्ट हॉट डेज पर होता है। थंडर स्टॉर्म्स एक वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है जो कि थंडर क्रिएट करता है या लाइटनिंग क्रिएट करता है, जब क्लाउड जो है ये हाइट पर जाता है जहां पे सब जीरो टेम्परेचर होगा और हेल फॉर्म हो जाती हैं और ये हेल स्टॉर्म के साथ आती हैं। सो ये बेसिकली अगर वहां इनसफिशियंट मॉइस्चर होगा तो थंडर स्टॉर्म बेसिकली डस्ट स्टॉर्म भी जनरेट कर सकता है, और थंडर स्टॉर्म जो है ये इंटेंस अपड्राफ्ट, यहाँ बेसिकली जो एयर है वो ऊपर राइज करता है। सो दिस इज द योर थंडर स्टॉर्म्स और टोर्नाडोज, ये लैंड पर भी आपको देखने को मिलते हैं, और अगर यही सिस्टम जो है ये एयर को यहाँ से पुल करता है बेसिकली, सो ये यहाँ पे वो डिवास्टेटिंग हो जाता है कई बार। एंड थंडरस्टॉर्म जो है ये इंटेंस अपलिफ्ट होता है एयर का, विच कॉजेज क्लाउड्स टू ग्रो बिगर, और ये राइज करता है और ज्यादा ग्रेटर हाइट्स पर, जो और यही आपको ऊपर यहाँ बहुत सारे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, ये प्रेसिपिटेशन कराएगा लेटर, जो बेसिकली डाउन ड्राफ्ट हो रहा है ये अर्थ पर कूल एयर लेके आएगा या रेन लेकर के आएगा। सीवियर थंडरस्टॉर्म्स जो है ये बेसिकली स्पायरलिंग विंड्स होती है, ये डिसेंड करती है जैसे एक ट्रंक एलिफेंट का आता है, ज्यादातर ग्रेट फोर्स से, और बेसिकली और इसका बीच में क्या होगा, लो प्रेशर एरिया होगा। नाउ द थिंग इज व्हाट इज देयर नेक्स्ट, जो यहाँ पे है यही टॉर्नाडो अगर पानी के ऊपर है तो उसको वाटर स्प्राउट कहा जाता है, बहुत डिस्ट्रक्शन लेकर के आता है। ये वॉलेंट स्टॉर्म जो है दीज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ एटमोस्फेरिक एडजस्टमेंट्स, कि वो वेरिंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पर एटमोस्फेरिक एडजस्टमेंट हो रहा है तभी ये अचानक से आ जाते हैं, एंड जो पोटेंशियल हीट और एनर्जीज है इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और ये जो स्टॉर्म्स है ये एंड रेटलेस्ट एटमोसफियर ये अगेन वापस से स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो ये इससे रिलेटेड चीजें हैं, एमसीक्यूज हैं। सरफेस पर एयर प्रेशर इतना है तो एयर प्रेशर एक किलोमीटर ऊपर कितना होगा, तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, यू कैन जस्ट ट्राई देम। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन नॉर्मली कहाँ होता है, देन जो डायरेक्शन है विंड का लो प्रेशर के अराउंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये एक चीज है। नाउ What is the unit used? So, यहाँ पे ये कुछ questions हैं जो यहाँ discuss किए गए हैं, जो cyclonic wind है वो किस direction में जाती है, किस direction में नहीं जाती, generally आप देखोगे तो यहाँ आपको ये इस टाइप से दिखता है। कोई तो हमने देखा था कि जो extra tropical cyclone था ये anti-clockwise direction में जा रहा था, and tropical cyclone आपको direction में दिख जाता है, तो ये अलग अलग directions होते हैं, फिर इसमें anti-cyclone वाले भी concept आ जाता है। Now What is now there are some questions here again, यहाँ जो discussion होगा questions का, जैसे answer the following in 152, discuss the factors affecting the speed and the direction of the wind। तो जो factor speed और direction का effect करते हैं, हमने देखा था बहुत सारे factors हैं, जैसे Coriolis force का एक factor है, friction का एक factor है, और उसका pressure gradient का एक factor है, तो ये factors हैं। एक simplified diagram बनाना है एक जनरल सर्कुलेशन का एटमोसफियर में ओवर द ग्लोब, जो हमने देखा था एक जनरल सर्कुलेशन वाला, हेडलेस सेल, फ्रेडलेस सेल और पोलर सेल्स वाला, and what are the possible reasons of the formation of subtropical high pressure over the 30 degree north and south latitudes। यहाँ पे एक चीज आई थी जो मैंने एक कहानी कही थी, which was about the horse latitude। बहुत छोटी सी कहानी है, ज्यादा नहीं, अरब के टाइम पे बेसिकली जब वो घोड़ों को लेकर के जाते थे इस रीजन में, बिकॉज हाई प्रेशर होता था, विंड ऊपर से नीचे आती थी, सबसाइड करती थी, तो वो जनरली शिप जो था वो उस लेटिट्यूड पर जाने के बाद वो डूब जाता था। जब ऐसा ज्यादा हो रहा था तो तब फिर उसको फिर हॉर्स लेटिट्यूड नाम से ही उसको बना दिया गया, तो ये उसी लेटिट्यूड के अराउंड की बात की गई है, व्हिच इज द हॉर्स लेटिट्यूड। एंड व्हाई डज ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर द सीज, इन विच पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन डू टोरेंशियल रेन्स एंड हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लो, एंड व्हाई, किस पार्ट में था, आई पार्ट में था, आई वॉल में था या उसके बाहर था, तो ये सारी चीजें हैं जो से रिलेटेड हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड सेशन, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज, देन वी विल मूव ऑन टू इंडिया। So this was all about today's video session. I've understood it well. Thank you.